नमस्ते जी। अच्छा नमस्कार जी, गुड इवनिंग। अच्छा देखिए, हम लोग जो है बड़ा जल्दी, हम 10 मिनट के में रिकैप करेंगे जो अभी हमने किया था। तो अभी तक आप लोग जिन चीजों को समझ पाए हैं वो है कि जो हमारे चार कारक हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री तक होते हैं। यानी जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आत्मकारक है। आत्मकारक अपनी क्वालिटीज के अनुसार, अपने सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट के अनुसार, ऋषि जैमिनी ने बहुत सी चीजों को पाराशरी सिद्धांतों पे आधारित रखा है। तो हमें है कि हमें ग्रहों के कारकत्वों के बारे में जो ऋषि पाराशर ने जो समझाया है उन्हीं ग्रहों के कारकत्वों को प्रमोट किया गया है इसमें भी, आगे बढ़ोड कहने का मतलब है। सूर्य अगर किसी का आत्मकारक होगा तो उसकी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसके अंदर एक गुरुत्व होगा और सौर्य कीर्ति होगी, वो बड़ी सोच का मालिक होगा। चंद्रमा अगर आत्मकारक होगा तो व्यक्ति जो है काफी कोमल हृदय का होगा, और इसके अलावा उसके चंद्रमा की तरह से जैसे वो फ्लक्चुएट करता है, कभी खुश होना कभी दुखी होना, इसी प्रकार से चंद्रमा जो है उसको म्यूजिक में, ड्यूटी स्टॉप में और रहने के एक अच्छे नेचुरल वे में एक अच्छे रहने के स्टैटिक सेंस को देता है। इसी प्रकार से बुध अगर किसी का आत्मकारक होगा तो उसके उसको पढ़ने की क्षमता होगी, उसको लिखने की क्षमता होगी, बोलने की क्षमता होगी, उसको जो है ज्योतिष में उसको काफी लगाव होगा, पढ़ने में काफी लगाव होगा। बृहस्पति अगर किसी का अगर आत्मकारक होता है, एक्चुअली जो इसमें इन्होंने बताया था प्रकाश चंद पाटिल साहब ने, जो वो उस दिन श्लोक बताया था शुक्ल यजुर्वेद का, वही श्लोक इसमें काम करता है। सूर्य शौर्य मतेन्द्र इंदु उच्च पदवी, मतलब सूर्य तो शौर्य देता है और जो इंदु है वो उच्च पदवी की आकांक्षा देता है। तब मंगलम मंगल, मतलब वो अपना मंगल चाहता है, थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक होता है। बुधश्च बुद्धि, मतलब बुद्ध जो है वो बुद्धि का ग्रह है। और गुरुश गुरुताम, गुरुश जो है आदमी को गुरुत्व देता है, गुरुत्व का होता है कि उसको गहराई देगा, उसकी सात्विकता देगा, उसके करेक्टर को बहुत महान बनाएगा। सुखम शुक्रम सुखम, शुक्र जो है सुख देने वाला है, लग्जरीज कंफर्ट सुख, जितने भी अगर शुक्र किसी का आत्मकारक होगा तो उसको लग्जूरियस लाइफ में, उसको कंफर्टेबल लाइफ में, इन सब में खुशी होगी। और शम शनिम, शम शनिम का मतलब होता है कि शनि जो है वो हमारे पापों को का निवारण करते हैं। तो जिसका आत्मकारक शनि होगा वो आदमी अपने पूर्व कई जन्मों के पापों को इस जन्म में धोने की कोशिश करेगा। शम शनि, शम शनि का मतलब होता है शनि भगवान हमारे पूर्व जन्म के पापों को क्षमा करे। राहुर बाहु बलम, राहु जो है आदमी को बाहुबल देता है, यानी कि उसको पावर पोजीशन इस तरह का सेंट्रिक बनाता है, पावर पोजीशन इस तरह का। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कुछ आपस में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें राहु को जो जिस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग फॉलो करेंगे उसमें राहु को एक कारक के रूप में नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ लोग जो है राहु को भी कारक लेते हैं, जैसे स्टी लॉर्सन और पंडित संजय राहु को एक कारक लेते हैं रिड्यूस डिग्री के द्वारा। रिड्यूस डिग्री का मतलब है 30 डिग्री की राशि से राहु को रिड्यूस किया जाता है, राहु की डिग्रीज को, उसको चारक कारक के अप्रोप्रिएट स्थान पर उसको पोस्ट किया जाता है। लेकिन के एन राव साहब, डॉक्टर बी वी रमन और दूसरे जैसे पी एस शास्त्री जी और जैमिनी ऋषि ने भी इसको राहु को सिर्फ एक ही कंडीशन में लेने के लिए बोला है, जब दो चार कारक बिल्कुल समान डिग्री और मिनट के हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगर वो एक ही कारक की, चार कारक की स्थिति में आते हैं तो फिर राहु को लिया जाता है, बहुत आशीर्वाद से होगी। तो इस तरह से राहु के लिए कहा गया है। और राहुर बाहुबलम, अगर हमने राहु को अगर लिया तो राहु जो है बाहुबल देता है, केतु कुलस्योन्नति, केतु की उन्नति देता है। तो ये जिस तरह से हम लोगों को ऋषि पाराशर ने या वेदों में जिस तरह से ग्रहों के कारकत्व बताए गए हैं, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जो आत्मकारक है, जो भी प्लेनेट आपका आत्मकारक होगा वो उसी प्रकार से आपको अपने गुणों से उत्प्रोत करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री का प्लेनेट है वो आपका अमात्य कारक है, जो कि अमात्य कारक आपके
सेकेंड हाउस को, टेंथ हाउस को, इलेवेंथ हाउस को कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी आपकी आजीविका के स्रोतों के बारे में, धनार्जन के बारे में, वेल्थ के बारे में इंडिकेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर में जो प्लैनेट होता है उसे भ्रातृकारक कहते हैं। उसके बाद जो है वो ये भ्रातृकारक जो है आपके इनिशिएटिव एंटरप्राइज का है, थर्ड हाउस को का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री का जो लोअर डिग्री का होता है उसे मातृकारक कहते हैं। मातृकारक जो है वो आपके फोर्थ हाउस को इंडिकेट करता है और माता के बारे में बताता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि केएन राव साहब जो है भ्रातृकारक से ही पिता को भी देखते हैं, उनके फॉलोवर्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम जो है पिता को स्थिर कारक से देखेंगे, सूर्य से या शुक्र से। नाइट बर्थ में शुक्र से और डे बर्थ में हम सूर्य से देखेंगे। इसके बाद जो है, क्योंकि हमने जो है चुनिंदा मोती हमने उन लोग उन सभी विद्वानों में से उठाने हैं जो कि सबसे ज्यादा लॉजिकल, रैशनलिस्ट और काफी अप्रोप्रिएट टू दी गोल पोस्ट दैट वी आर एक्चुअली एमिंग एट। हमारा गोल पोस्ट क्या है? एक अच्छा फलित। तो अच्छे फलित के लिए हम जो है हर विद्वान के ग्रंथों से अच्छी अच्छी चीजें सबको देंगे। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि जो उसके बाद मातृकारक के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर का ग्रह है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आपका पुत्र कारक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पुत्र कारक को जेमिनी के अंदर सबसे ज्यादा महत्व का माना गया है, या फिफ्थ लॉर्ड को, क्योंकि वो हमारे पूर्व पुण्यों के बारे में बताता है। तो जितने भी जेमिनी के राजयोगात बनते हैं उन राजयोगात में आफ्टर दी आत्मकारक एंड मातृकारक के आपस में संबंध के राजयोग के बाद पुत्र कारक का इन दोनों में से या धारा कारक से जो संबंध है या फिफ्थ लॉर्ड से संबंध है उसे एक बहुत बड़े राजयोग के रूप में माना जाता है। और किसी की कुंडली में जैसे मैंने आज आप लोगों को शेयर की है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हॉरोस्कोप, तो आप देखेंगे कि उनकी हॉरोस्कोप में लगन पे ही पुत्र कारक ग्रह बैठा है। ये बात मैंने इंडिकेट भी की है आपको। तो पुत्र कारक की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है जेमिनी में। वैसे भी ये पाराशरी ज्योतिष में पंचम भाव जो है आपके पूर्व पुण्य का है, मंत्र साधना का है, आपके एजुकेशन का है, और साथ में ये भाव आपको इन बातों को भी बताता है अब रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, यानी कि भारत रत्न किसी को मिले या किसी को विशिष्ट सेवा मेडल मिले या किसी को महावीर चक्र, वीर चक्र या परमवीर चक्र अगर मिलता है तो ये पंचम भाव ही बताता है। ये हमारे संतान का भी भाव है तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। उसके बाद पुत्र कारक के बाद जो छठे भाव को कॉरेस्पॉन्ड करता है प्लैनेट वो आपका ज्ञाति कारक या गणाति कारक होता है। ज्ञाति कारक भी बोलते हैं उसको, गणाति कारक भी बोलते हैं। ये आपके त्रिक भावों को रिप्रेजेंट करता है, यानी 6-8-12 जो दुख भाव है उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बारे में काफी नेगेटिव बोला गया है, लेकिन अगर ये ग्रह आपका उच्च का है आपकी कुंडली में या नीच का है, या नवमांश में उच्च का है या नवमांश में नीच का है, तो गणातिकारक विफल हो जाएगा अपनी ड्यूटी टू डू हार्म। या इस गणातिकारक पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी दो से ज्यादा तब भी ये फेल हो जाएगा टू गिव एनी काइंड ऑफ हार्म टू द पर्सन। तो इस बात को गणातिकारक को आप हमेशा डर डर के नहीं देख सकते। और तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक अत्यंत बली है और आत्मकारक आपका योगदा भी है 4 नंबर का, योगदा 4 जो है वो सुपरलेटिव है, शक्तिमान ग्रह है योगदा 4, यानी कि उसका संबंध जो है आपके राशि कुंडली में, D1 चार्ट में उसका संबंध आपके लगन से होता है, D9 चार्ट में पुनः उसका संबंध जो है लगन से बनता है दृष्टि या कंजंक्शन या प्लेसमेंट के द्वारा, कंजंक्शन विद लग्ना लॉट या प्लेसमेंट के द्वारा, या उसका दृष्टिकांड चार्ट में इसी प्रकार से लगन से संबंध होना चाहिए। अब वो योगदा 4 का बनता है, और योगदा 4 अगर आपका आत्मकारक है और आत्मकारक आपका बली है तो ज्ञातिकारक गणातिकारक आपको हार्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है वो आपका उस प्लैनेट को हम कहते हैं धारा कारक। धारा कारक आपके स्पाउस के बारे में बताता है, आपके दैनिक रोजगार के बारे में बताता है, आपके पद प्राप्ति के बारे में बताता है, यानी कि वो सेवंथ हाउस से जो जो चीजें आती हैं, आपकी दिनचर्या जो होती है या पब्लिक का परसेप्शन आपके बारे में क्या है, इसके बाबत धारा कारक से पता चलता है, क्योंकि सेवंथ हाउस का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लैनेट है और सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है। मैंने आपको अब इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था कि जो धारक जो हमारे चर दशाएं हैं, चर का मतलब होता है चलायमान, जो हमारे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं चलक में होती हैं या चेंजेस होते हैं या इवेंट्स होते हैं उसके लिए चर दशाएं सबसे कारगर दशाएं मानी जाती हैं। तो चर दशाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें ऋषि जेमिनी ने इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी रखा है। इसमें
चार जोड़े बनाए गए हैं राशियों के, क्योंकि राशियों के इसके अंदर दृष्टि होती है। आपको मालूम है कि जो मूवेबल राशियां हैं यानी कि 1, 4, 7, 10 वो फिक्स राशियां 2, 5, 8, 11 पे दृष्टि रखती हैं अपनी नेबरिंग राशि को छोड़ के। यानी मेष राशि जो है वृष को नहीं देखेगी और वृष राशि मेष को नहीं देखेगी। जैमिनी ज्योतिष के अंदर म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है, यानी कहने का मतलब है अगर 1, 4 राशि किसी फिक्स साइन को स्थिर राशि को देख रही है तो स्थिर राशि भी 4 राशि को देखेगी। मैं अपनी स्पीड स्लो कर दूंगा जब रिकैप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैं 10 मिनट के अंदर से फिनिश करना है। तो इसी प्रकार से जो द्विस्वभाव राशियां हैं यानी ड्यूअल साइंस हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 ये अपने को छोड़ के बाकी तीनों द्विस्वभाव राशियों पर दृष्टि रखती हैं। और ये हमेशा जो दृष्टियां हैं वो टू एंड फ्रो है, यानी कि आपस में एक दूसरे पर दृष्टियां होती हैं। म्यूचुअल एस्पेक्ट का विधान है जो इसमें इसमें जो ग्रह जो राशियों पर बैठते हैं वो भी उसी प्रकार राशियों के समान ही देखते हैं, दृष्टि रखते हैं। इसमें पाराशर के जो सिद्धांत में जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो माननी नहीं होती। तो कुछ हमारे ग्रुप में लोगों ने लिखा था कि ये फला फला एक्सेस में है, तो वो एक्सेस किसी मायने में वो सही नहीं है, क्योंकि एक्सेस का कोई भी प्लैनेट होगा अगर 1-7 एक्सेस पे बैठेगा तो इसका मतलब वो 4 राशि में है तो दोनों ही 4 राशि में है, और अगर स्थिर राशि है तो दोनों ही स्थिर राशि में, तो उनका कोई दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। एक्सेस का उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सातवीं दृष्टि या कोई भी स्पेशल एस्पेक्ट जो है जैसे मंगल का 4-8 और शनि का 3-10 और गुरु का 5-9 ये सारे एस्पेक्ट नहीं चलते हैं जैमिनी में। जैमिनी के अंदर जैमिनी के एस्पेक्ट होते हैं, स्थिर राशियां 4 राशियों को देखती हैं, 4 राशियां स्थिर राशियों को, एक्सेप्ट दी एडजेसेंट वन अपनी नेबरिंग राशि को छोड़ के। और इसी प्रकार से द्विस्वभाव राशियां जो है बाकी तीनों द्विस्वभाव राशियों पे दृष्टि रखती है। अब जो चर हमारी दशा है उस दशा के अंदर उन्होंने तीनों तीन तीन राशियों के 4 जोड़े बनाए हैं, और ये मेजोरिटी रूल पे उनको ऑड और इवन में सेलेक्ट किया है। तो मेजोरिटी रूल क्या है कि 1, 2, 3 क्योंकि 1 और 3 इसमें ऑड साइंस है, तो ये पूरा ग्रुप जो है सभ्य ग्रुप हो गया, यानी कि ऑड साइन का हो गया। उसके बाद 4, 5, 6, 4 और 6 चूंकि इसके अंदर इवन साइंस है तो ये पूरा ग्रुप इवन साइन का हो गया। उसके बाद जो है 7, 8, 9 में 7 और 9 ऑड है तो पूरा ग्रुप ऑड है। उसके बाद जो है 10, 11, 12 में 10 और 12 इवन है तो 11 भी इवन मानी जाएगी, तो ये इवन ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से इसमें कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले ये देखा जाता है जो जो चार दशा में जो सबसे पहली दशा होती है वो जन्म लग्न की राशि की होती है। फिर उसके बाद जो ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर 9th हाउस की राशि से डिसाइड होता है कि वो जुडाइकल ऑर्डर में होगा या रिवर्स टू जुडाइकल ऑर्डर होगा। तो 9th हाउस में अगर आपको ऑड या सभ्य ग्रुप की राशियां मिल रही हैं, यानी कि आपको 1, 2, 3, 7, 8, 9 अगर मिल रही हैं, जो कि किस केस में होती है 1, 5, 6 लगन में, एक नंबर का लगन यानी कि मेष, सिंह और कन्या, इन लग्नों में जो आपके 9th हाउस होता है वो सभ्य होता है, तो उसमें जुडाइकल दशाएं चलती हैं। यानी कि जन्म लगन की राशि की दशा के बाद जो दूसरी दशा होगी वो दूसरी दशा द्वितीय भाव की राशि की होगी, तीसरी तृतीय भाव, चौथी चतुर्थ भाव। अब इसके बाद इसी के अलावा इसके 7th नंबर की राशियां भी उसी प्रकार से जुडाइकल ऑर्डर में चलती हैं। 1 के 7th में कौन सी पड़ती है, लिब्रा, और 5 नंबर के 7th में पड़ती है एक्वेरियस, और 6 नंबर के 7th में पड़ती है पाइसेस। तो इन लग्नों में भी 1, 5, 6 और 7, 11, 12 इन लग्नों में सभी में जुडाइकल जो है दशाएं चलेंगी, यानी इनके 9th हाउस में जो है ऑड राशि आती है इसलिए ये जुडाइकल ऑर्डर में चलते हैं। अब इसके बाद जो बाकी ये जो लगन है जैसे 2, 3, 4 और इसके अलावा इनके 7th हाउस में 2 के 7th हाउस में आ गया स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, 3 के 7th हाउस में आ गया सैजिटेरियस यानी कि धनु, और 4 नंबर के 7th हाउस में आ गया कैप्रिकॉन। इन 6 राशियों के लगन होने पर क्योंकि 9th हाउस के अंदर में इवन साइन की राशि पड़ती है, तो इनमें जो है पहली दशा लगन में पड़ने वाली राशि की होगी, दूसरी दशा होगी 12वें भाव की राशि की होगी, तीसरी दशा 11वें भाव की राशि की होगी, चौथी दशा 10वें भाव की राशि की होगी, पांचवी दशा 9वें भाव की राशि की होगी, सो ऑन सो फोर्थ, यानी कि रिवर्स टू द जुडाइकल ऑर्डर ये चलेंगे।
अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था कि केएन राव साहब जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसमें जो अंतर दशाएं होती हैं, अंतर दशाओं का भी इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करते हैं, यानी अंतर दशा को आप जो है उसमें लग्नवत कर लेते हैं और उसके नाइन्थ में आप देखते हैं ऑड और इवन। अगर ऑड साइन पड़ता है अगर नाइन्थ हाउस में तो आपकी जुडाइकल दशा पड़ेगी, ऑड साइन की प्रत्यंतर दशाएं जो है वो जुडाइकल होंगी। और अगर क्योंकि आप अंतर दशा तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट महादशा के टाइम पे, तो आप अंतर दशा की जो प्रत्यंतर दशाएं होती हैं उसके ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन को देखने के लिए ये देखा जाता है कि आपके उसको लग्नवत करने पे अगर उसके नाइन्थ हाउस में इवन राशि की राशियां पड़ती हैं तो आपका वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा अंतर दशाएं प्रत्यंतर दशाएं। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेट कैसे करते हैं दशा की ईयर्स, दशा के ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको उसी राशि पे फोकस करना होता है जिस राशि की आपने दशा कैलकुलेट करनी है। यानी कहने का मतलब है जैसे मेष राशि ऑड ग्रुप में आती है, मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 में 1 और 3 ऑड हैं तो 2 भी 3 ऑड माना जाता है। तो 1, 2, 3 नंबर के अगर राशियां अगर लग्न पे पड़ती हैं इस केस में जुडाइकल ऑर्डर में आप काउंट करेंगे उसका जो स्वामी है, राशि का स्वामी राशि से कितनी दूर बैठा है उतना आप काउंट करेंगे, उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 ईयर का होता है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल भी दिया था कि मेष लगन की अगर मेष निकाल रहे हैं तो मेष राशि का स्वामी अगर कर्क में बैठा है तो इसका मतलब है जुडाइकल काउंटिंग से वो 4 वर्ष की दशा हुई माइनस 1 वर्ष का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो दशा के वर्ष हुए 3 वर्ष। इसी प्रकार से जो काउंटिंग होगी अगर जो आपकी राशि है वो 4 नंबर की राशि है, 5 नंबर की, 6 नंबर की इवन साइन और उसके 7th वाली राशियां यानी कि 10 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की, इन राशियों के स्वामी अपने से जितने दूर बैठेंगे लेकिन उनकी जो काउंटिंग होगी ईयर्स की वो रिवर्स ऑर्डर की होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर राशि का स्वामी लगन पे अगर कर्क राशि है और कर्क का राशि का स्वामी चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो दशा के वर्ष होंगे उल्टे काउंट, यानी कि 12 वर्ष की दशा होगी माइनस 1 वर्ष का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 11 वर्ष की दशा होगी। इसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि जो महादशा के वर्ष होते हैं उतने ही माह की अंतर दशा होती है, तो यानी कि अंतर दशा अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उतने ही माह के अंतर दशाएं होंगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल कर्क राशि में दिया, अगर 11 वर्ष की दशा है तो उसके जो अंतरे होंगे प्रत्येक अंतर उसका 11 माह का हुआ। अब आपको प्रत्यंतर दशा का जो कैलकुलेशन करना होता है उसमें आपको इन माह को डेज में कन्वर्ट करना होता है, तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 से गुणा करते हैं, तो 11 माह को आप 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 दिन आया, इसे आप 12 राशियों से भाग करेंगे तो 27.5 आएगा डेज, 27 डेज एंड 0.5 डेज, 0.5 को आप आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे 24 घंटों से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका मतलब 12 घंटे आ गए। ये रिकैप हमारा खत्म हुआ। अब मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा, कितना टाइम लिया हमने, 20:07 20 मिनट लग गए। रिकैप के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो राजयोग पे है, राजयोग पे राजेश चतुर्वेदी जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपको आपको एक कैप्सूल फॉर्म में दे दिया है, इट इज वेरी इजी टू नाउ रिमेम्बर। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका जो है कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि राजयोगों में इसमें सबसे अधिक जो बड़ा राजयोग बनता है वो आत्मकारक अमात्यकारक का आपस में कोई संबंध बने। इस राजयोग से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, कर्ता कुछ ऐसे हमारे पाराशर सिद्धांतों के अंदर योगा कारक या लगन के स्वामी का जो बल होता है, लगन के स्वामी के बल को तो ऋषि जैमिनी ने भी पूर्ण तरह से मान्यता दी है, यानी लगन का स्वामी और सभी भावों के स्वामी को। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाव पे उन्होंने जो है आश्चर्य में डालने वाली बात थी कि उन्होंने बुद्ध को विष्णु भगवान के सम्मत माना है, गुरु को उन्होंने शिवा के सम्मत माना है और उन्होंने राशि के स्वामी को
उन्होंने आदित्य कहा है जो कि सूर्य और ब्रह्मा के प्रचारक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी राशि के ऊपर बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो और या तथा राशि के स्वामी की दृष्टि हो, तो उनके हिसाब से, ऋषि जैमिनी के हिसाब से ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान, शिवा और आदित्य यानी कि सूर्य एवं ब्रह्मा जी, इनकी दृष्टि मानी जाती है। और इसमें आपको मालूम है दृष्टि का बल भी इसमें 180 डिग्री हो जाता है, 60 विंशोपाक बल। तो विश्वा बल जो बनता है, विंशोपाक और विश्वा बल एक ही चीज है। षष्ट्यांशा जो है वो उसके बलों के टोटल को कहते हैं, षष्ट्यांश में नापा जाता है ग्रहों का बल, राशियों का बल। अच्छा देखिए, फिर मैंने आपको बताया इसमें कर्ता जो इसके अंदर जो उन्होंने राजयोगाकारी जो प्लैनेट्स हैं, जो पाराशर के सिद्धांत के, उनको डिफरेंट नेम से उन्होंने पुकारा है। जैसे कर्ता प्लैनेट कौन है जो आपके लगन और सप्तम भाव के साथ में दृष्टि का या प्लेसमेंट का संबंध होने वाले, आइदर एंड कर्ता वन एंड कर्ता टू होते हैं। कर्ता वन वो है जो कि लगन के साथ संबंध बनाएगा, चाहे वहां बैठ के या दृष्टि का कोई भी ग्रह, और सेवंथ हाउस के साथ में अगर कोई ग्रह बैठ के या दृष्टि का संबंध बनाएगा तो कर्ता टू हो जाएगा। और दोनों के साथ में संबंध बनाएगा जो ग्रह दृष्टि का संबंध लगन के साथ और सेवंथ हाउस के साथ, तो वो कर्ता सुप्रीम हो गया, यानी कि उसे काफी प्रबल कर्ता ग्रह मानेंगे। कर्ता का मतलब आप जानते हैं, आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप पूछते हैं कि यहाँ कर्ता कौन है, मतलब हु इज कॉलिंग शॉट्स, यानी हु इज द डिसीजन मेकर। यानी कि कर्ता का मतलब यही है कि वो आप एक डिसीजन मेकर को ढूंढ रहे हैं, आपके जीवन के डिसीजन मेकर को, यानी आपके जीवन की गाड़ी को चलाने वाले ग्रह को देख रहे हैं आप। केवला ग्रह के बारे में संजय रथ साहब ये कहते हैं कि वो आपको मझधार से निकलता है, यानी कि ऑडिटिव से बाहर निकलेगा। जब भी कभी आप मुसीबतों में फंस जाते हैं तो जो केवला ग्रह है वो आपको उस भवंडर से निकालने वाला एक दृढ़ निश्चयी ग्रह होता है। और वो ग्रह कौन है, तो कहते हैं कि वो मून और लगन से संबंधित, अगर कोई भी ग्रह अगर मून की राशि के लॉर्ड से या मून से संबंधित होगा तो वो केवला ग्रह होगा। यानी कि अगर मून साइन के स्वामी से या जहां पे भी आपका मून बैठा है, मून साइन के स्वामी के साथ में जो ग्रह संबंध बनाता है और लगन के साथ भी संबंध बनाता है, ऐसा ग्रह आपका केवला ग्रह माना जाता है, जो आपको ऑडिटीज से लाइफ के अंदर जब भी आप मुसीबतों में आते हैं तो वो ग्रह आपके सबसे ज्यादा काम में आता है। जब उस ग्रह की राशि की दशा पड़ती है या उस ग्रह के प्लेसमेंट की राशि की दशा पड़ती है, महादशा या चार अंतर दशा, तो ऐसे में केवला, जैसा किसी का कोर्ट का केस चल रहा है लंबे समय से, एक लैंड का डिस्प्यूट आ गया, केवला ग्रह के पोजाइटेड राशि की दशा चल जाए अथवा केवला ग्रह की राशि की दशा चल जाए, अंतर दशा चल जाए, तो ऐसे में आदमी जो है कोर्ट केस जीत के बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने कहा है योगदावन जो है वो प्लैनेट है, जो ऐसा प्लैनेट है जो कि मून साइन के साथ में संबंधित है और लगन के साथ में और चंद्रमा के साथ में संबंधित है, यानी कि इसकी डिग्री हायर हो गई, क्योंकि न केवल ये मून के राशि के नाथ के साथ भी संबंधित है, ये चंद्रमा के साथ भी संबंधित है और आपके लगन के साथ भी संबंधित है, तो इसे योगदावन कहते हैं। ये इतना ही पावरफुल है जितने कि राजयोगकारी ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं। तो आपको मालूम है कि पाराशरी सिद्धांत में राजयोगाकारी ग्रहों की जब दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छे फल लेके आती है। अब उसके बाद योगदा टू क्या है, योगदा टू ऐसा ग्रह है जो आपकी राशि कुंडली के अंदर यानी नेटल चार्ट के अंदर वो लगन के साथ में संबंधित है और नवमांशा कुंडली में वो नवमांश के लगन के साथ में संबंधित है,
ये और पावरफुल प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि नवमांश को ऋषि जैमिनी ने काफी बल प्रदान किया हुआ है। अब योगदा 3 जो प्लैनेट होता है, वो प्लैनेट जो कि योगदा 2 के समकक्ष है, उतना ही पावरफुल है, वो प्लैनेट जो है आपकी राशि कुंडली के अंदर, D1 चार्ट के अंदर, वो आपके लग्न के साथ संबंधित है, और द्रेष्कांड कुंडली D3 कुंडली के अंदर में D3 के द्रेष्कांड लग्न के साथ में संबंधित है। और आपको मालूम है जैमिनी जो संबंध होता है वो या तो प्लेसमेंट के द्वारा होता है, या फिर दृष्टि के द्वारा होता है, या उसके स्वामी के साथ एसोसिएट होके होता है। तो ये अब योगदा 4 जो है वो शक्तिमान ग्रह है, यानी कि वो सुपर डुपर ग्रह है, सुपरलेटिव प्लैनेट है, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रह है जो आपकी राशि कुंडली के अंदर में लग्न के साथ में संबंधित है, और आपके द्रेष्कांड कुंडली में द्रेष्कांड के लग्न से संबंधित है, और नवमांश कुंडली में नवमांश के लग्न के साथ में संबंधित है। अब आप आइए जो है राजनिवास पे। हाँ मधु जी बोलिए। Thank you, Charaji. Sorry, it's my first class. So I have a quick question. When you said that the Kevla Grah, you said moon and its Rashi. So where you meant like where moon is sitting in the Rashi that, or are you talking about Cancer Rashi? No. I'm talking about the, when we are talking about moon and its Rashi. So it is but natural that we are talking about the Cancer Rashi. Because Cancer is the only Rashi out of the 12 which has got the lordship of Moon. So we are talking of, when we are talking of Mars, we are talking of either the Mars or we are talking of the Rashis of the Mars, which means we are talking of Aries and the Scorpio. Okay, so you're not talking about the Rashi that Moon is actually sitting in the chart. Let's say if a Moon is in like number 9, Scorpio Rashi. So you're not talking about Scorpio. Number nine is Sagittarius Rashi. Sagittarius Rashi, number 9. देखिए इसमें मधु आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली जो केवला जो ग्रह है वो जहां पे मून पोजाइटेड राशि है उस राशि के स्वामी के साथ में उसका संबंध है। मतलब इट इज एक्चुअली इट इज दी सेकेंड वन विच इज फार मोर पावरफुल दो इट If it forms a yoga with the lord of the Rashi also, Moon Rashi, then also it is okay. But the better Rajyog would be formed where the moon is presided. As we said, okay, the moon is presided in the Sagittarius Rashi. It means when we are talking of the Rashis, it means we are talking of Jupiter. Lord of the Rashi is the Jupiter. So if moon forming any connectivity with the Jupiter, either by aspect or by conjunction, then it is the Kevla. But okay. Kevla also need to have a relationship with the Lagna Lord or Lagna. So that means whichever Rashi Moon is sitting in, us Rashi ka Lord jo ho gaya, wo Kevla Grah ho gaya. Agar wo connection bana raha hai to. Agar wo connection bana raha hai to. Condition ye hai ki uska Moon ke saath aur Lagan ke saath. Aap example dikhayenge baad mein. You'll show examples later on. Haan. Okay. All right. Thank you. बिल्कुल। अच्छा देखिए इसके बाद जो हमारा योगदा 4 की जो मैंने आपसे बात की थी, योगदा 4 में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि योगदा 4 एक ऐसा प्लेनेट है जिसका की कनेक्शन राशि कुंडली के अंदर D1 चार्ट के अंदर लगन के साथ कनेक्शन होता है, और D9 चार्ट के अंदर उसका फिर लगन से कनेक्शन होता है, और D3 या द्रेष्कांड चार्ट में लगन से कनेक्शन होता है। कोई भी स्टूडेंट अगर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो अपने हाथ को खड़ा करें, नंबर 1। नंबर 2 अपने वीडियो को ऑन करेंगे तभी क्वेश्चन वो पूछ पाएंगे। हमारे क्लास का ये नियम है, एंड एवरीबॉडी विल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द क्लास। इफ समबडी हैज टू आस्क अ क्वेश्चन, ही विल हैव टू रेज द हैंड, एंड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड आंसर हिज क्वेश्चन और हर क्वेश्चन। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट द वीडियो हैज टू बी ऑन। If the person's video is not on, I am not going to answer the question. Thank you so much. We follow certain rules in the class, so we'll continue to follow those rules here. Achha, ab aap iske baad rajyog ke liye aapko ek baat samajhni hai. Gemini ke andar jo rajyog banane wale grah hote hain, wo atmakarak, amatyakarak, putrakarak, dharakarak and fifth lord. Ye sirf 5 grahon ko aapne yaad rakhna hai.
और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया राजयुगाकारी प्लैनेट जैसे कर्ता केवला युगदा 1, 2, 3, 4 ये जो प्लैनेट्स हैं ये राजयोग बनाते हैं। इसके अलावा राजयोग जो है जेमिनी में मैंने आपको जो आप अभी मॉड्यूल दिया है जो मैंने क्लास के नोट्स दिए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि ये राजयोग जो है कुछ 10th हाउस से रिलेटेड भी राजयोग बनते हैं जो कि किंगशिप के राजयोग हैं। किंगशिप के 10th 11th 9th से संबंधित जो राजयोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि इसमें ग्रेड क्या है राजयोग के तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो फर्स्ट ग्रेडेड जो राजयोग है वो आत्मकारक अमात्यकारक का होता है। जब भी कभी हम कुंडलियां देखते हैं हॉरोस्कोप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री की और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जैसे हमने अभी मैंने आपको इस नोट्स में आपको मैंने एक कुंडली दी है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की और दूसरी मैंने आपको कुंडली दी है व्लादिमीर पुतिन की जो कि क्रेमलिन के चीफ हैं यानी कि रशियन प्रेसिडेंट हैं। तो अगर आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो आत्मकारक अमात्यकारक का संबंध या तो डीवन चार्ट में आज मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी भी हॉरोस्कोप दिखाऊंगा। आत्मकारक अमात्यकारक का संबंध या तो राशि चार्ट में बनता है डीवन चार्ट में बनता है या फिर उनका नवांश में बनेगा और नवांश में बनने वाला जो राशि संबंध है दृष्टि का संबंध है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अच्छा इसमें जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जो प्लैनेट है वो है आत्मकारक और अमात्यकारक जिनका आपस में जब संबंध बनता है तो वो बड़ी किंगली स्टेटस में लेके जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्लैनेट ग्रेडेड ऑर्डर में आता है नेक्स्ट इन ऑर्डर वो पुत्र कारक है। मैंने आपको बताया कि ऋषि जेमिनी ने पुत्र कारक ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण माना है और मैंने आपको ये हॉरोस्कोप्स में दोनों में ही आपको पॉइंट आउट किया है। आप इसे बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए होंगे इस नोट्स को क्योंकि आज ही भेजे गए थे लेकिन मैंने आपको आज व्लादिमीर पुतिन की आज मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप भेजी है और कल मैंने परसों मैंने आपको भेजी थी व्लादिमीर पुतिन की हॉरोस्कोप। इन दोनों हॉरोस्कोप को मैंने मर्ज करके यानी कि इन दोनों ही कोर्स मटेरियल को मैंने मर्ज करके सिंगल आपको पीडीएफ भेजा है ताकि आपके सामने दोनों हॉरोस्कोप सामने आ जाए। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इनमें लगन में इन दोनों ही स्टॉलवर्ट्स के या इन सेलिब्रिटीज की हॉरोस्कोप में लगन में पुत्र कारक बैठे हैं और व्लादिमीर पुतिन के केस में जो पुत्र कारक हैं वो पुत्र कारक इनके काफी पावरफुल हैं क्योंकि वो लगन के स्वामी भी हैं यानी कि शुक्र बैठे हैं और वो योगदा 4 के ग्रह भी हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में मंगल बैठे हैं सिंह राशि के ऊपर सिंह लगन की कुंडली में लगन पे मंगल बैठे हुए हैं और वो केवला भी हो जाते हैं क्योंकि वो जो है एक तो पुत्र कारक भी हैं दूसरा वो चंद्रमा की के राशि के नाथ भी हैं चंद्रमा उनके वृश्चिक राशि के हैं तो वृश्चिक राशि के वो लॉर्ड भी हो जाते हैं जो कि लगन से संबंध बना रहे हैं और चंद्रमा के साथ में उनका संबंध बनता है चंद्रमा के राशि होने की वजह से। तो इस वजह से वो केवला ग्रह भी हो गए काफी पावरफुल हो गए। इन कुंडलियों को हम अभी आप लोगों के सामने दोबारा पेश करेंगे। तो बहरहाल जो राजयोगास हैं आपको ये याद रखना है कि राजयोग बनाने वाले 5 ग्रह हैं एक है आत्मकारक अमात्यकारक पुत्रकारक दाराकारक और फिफ्थ लॉर्ड यानी कि फिफ्थ लॉर्ड को भी उतना ही सम्मान दिया गया है। जेमिनी में मैंने आप लोगों को अर्गला का कॉन्सेप्ट भी बताया था लेकिन अर्गला पे चूंकि हम कई बार रिकैप भी कर चुके हैं और उसकी बड़ी एक्सटेंसिव क्लासेस हो चुकी हैं तो अर्गला को आज हमने रिकैप नहीं किया है। आपके पास नोट्स भी भेजे गए हैं तो आप समझ जाएंगे। आज हम कुंडलियों पे जब हम फलित करने की कोशिश करेंगे प्रेडिक्टिव साइट तो हम उसमें आप लोगों को मैं आपको अर्गला का भी कॉन्सेप्ट दोबारा रिविजिट करवा दूंगा। कहने का मतलब है कि जर्मनी में जो राजयोगास हैं वो बड़े आसान हैं और 5 ग्रहों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने नोट्स में दिए हैं जैसे आत्मकारक का संबंध किससे बने अमात्यकारक से या पुत्रकारक से या दाराकारक से या फिफ्थ लॉर्ड से। अमात्यकारक से आत्मकारक का संबंध अमात्यकारक से बने पुत्रकारक से बने दाराकारक से बने या फिफ्थ लॉर्ड के साथ बने ये बहुत बड़ा राजयोग है।
इसमें से दो राजयोग जो सबसे ज्यादा कारगर होंगे वो होंगे आत्मकारक अमात्यकारक का संबंध, दृष्टि का संबंध या कंजंक्शन का संबंध, या आत्मकारक और पुत्रकारक का संबंध, दृष्टि का संबंध। और धाराकारक को भी बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, तो धाराकारक के साथ भी संबंध बहुत अच्छा होता है, और फिफ्थ लॉर्ड को भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आप इनको सेम ग्रेडेड आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं फिर रिटरेट करूंगा कि फिफ्थ लॉर्ड एंड पंचम भाव का स्वामी, यानी कि पुत्र कारक और पंचम भाव के स्वामी को काफी ऋषि जैमिनी ने बहुत ज्यादा मतलब उसको ताजपोशी की है। इसी प्रकार से अब अमात्यकारक का जो के जो राजयोग बनेंगे वो किससे बनेंगे, आत्मकारक से तो हम बात कर चुके हैं पिछले वाले में, उसे छोड़ देंगे यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो लिस्टेड है। अमात्यकारक का जो संबंध है वो बनेगा पुत्रकारक के साथ में, धाराकारक के साथ में और फिफ्थ लॉर्ड के साथ में, और पीछे वाले में वो आत्मकारक के साथ में संबंध मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद फिर नेक्स्ट इन ऑर्डर आता है पुत्रकारक, पुत्रकारक का संबंध जो बनेगा वो धाराकारक के साथ में, फिफ्थ लॉर्ड के साथ में, ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। अब इसके बाद जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड का संबंध जो है वो बनेगा आपके धाराकारक के साथ, ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड के बाकी संबंध आपके पीछे के उसमें दोनों में आ चुके हैं। इसके बाद आपका जो है धाराकारक का जो संबंध है इन सभी के साथ में बहुत अच्छे राजयोग बनाता है। जैसे धाराकारक का संबंध आत्मकारक के साथ, धाराकारक का मातृकारक के साथ, धाराकारक का फिफ्थ के लॉर्ड के साथ, धाराकारक का पुत्रकारक के साथ संबंध, ये सारे जो संबंध होंगे ये सभी राजयोग देने वाले होंगे। तो ऋषि जैमिनी ने राजयोगास को काफी सिंपल बनाया हुआ है। अब हम बाकी राजयोगास आपको पहले कोर्स मटेरियल के मॉड्यूल में लेके जाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कुंडलियों पे दिखाऊंगा। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ विनीत जी बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। प्रभु जी जो आत्मकारक और अमात्यकारक का आप ये जो एक तो राशि और कंजंक्शन के साथ है, बट क्या ये जैसे आपने पॉइंट नंबर 16 में आई थिंक बताया है, क्या ये राजयोग एग्जिस्ट करता है अगर उनकी पोजीशन ट्राइनल और आपके केंद्र और 311 भी हो? क्यों नहीं करेगा? अगर आत्मकारक अमात्यकारक का संबंध हो रहा है और आपस में उनका संबंध, अगर मैंने आप लोगों को आगे बताया है इसी में, वैसे तो आप आगे के पॉइंट पे आ गए हैं। आगे बंद कर देता हूँ, आप मुझे कोई दिक्कत, आप बाद में बताएं, मैं बाद में पूछ लूंगा इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट। हाँ क्योंकि द पॉइंट इज एक एक करके हम चलते हैं। नो वरीज नो वरीज, आई विल आस्क लेटर। ठीक है, इसमें पहले आपको ये समझना होगा जो मैंने राजयोगास जैमिनी के आपको बताए हैं, वो पहले हाउस और फिफ्थ हाउस का कोई भी संबंध अगर कुंडली में बनता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस के संबंध कैसे बन सकते हैं। पहले हाउस और पंचम भाव का संबंध राशि परिवर्तन के द्वारा बन सकता है। पहले हाउस का जो लॉर्ड है वो पंचम भाव पे दृष्टि के द्वारा संबंध बना सकता है। पंचम भाव का स्वामी कहीं पे भी बैठा हो वो प्रथम भाव के यानी लगन के साथ में दृष्टि का संबंध बना सकता है। या फिर उनके जो चार कारक होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो चार कारक हैं,
प्रथम भाव का जो चार कारक है वो है आत्मकारक, और पंचम भाव का जो चार कारक है वो पुत्र कारक। ये दोनों ही कंडीशंस लागू होती हैं। आपको ये नहीं कहना है कि हमने चूंकि जर्मनी में चार कारक देखने हैं तो फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस का अगर संबंध बनेगा तो वो राजयोग बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले और पंचम भाव के स्वामियों का कोई भी संबंध, चाहे वो राशि परिवर्तन योग के द्वारा हो या दोनों के आपस में साथ में बैठ जाने के द्वारा हो, या प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव पे दृष्टि के संबंध बना रहा हो, या पंचम भाव का स्वामी जो है प्रथम भाव के स्वामी के साथ में या प्रथम भाव के साथ में दृष्टि का संबंध बना रहा हो, यानी इसके चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। प्रथम भाव का स्वामी अगर प्रथम पंचम भाव के स्वामी के साथ दृष्टि का संबंध बनाए, या पंचम भाव के साथ दृष्टि का संबंध बनाए, पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव के साथ में या प्रथम भाव के स्वामी के साथ में दृष्टि का संबंध बनाए, या फिर दो और कॉम्बिनेशन बन गए वो है चार कारक के, यानी कि प्रथम भाव को कॉरस्पॉन्डिंग जो चार कारक है वो आत्मकारक है, और पंचम भाव का जो चार कारक है वो पुत्र कारक है। इनका आपस में कंजंक्शन हो, यानी कि युति में बैठे हों, या ये आपस में दृष्टि के संबंध बना रहे हों। मैंने आपको बताया था कि जैमिनी के अंदर जब भी दृष्टि के संबंध बनते हैं तो म्यूचुअल बनते हैं। म्यूचुअल का मतलब है अगर दृष्टि का संबंध प्रथम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आत्मकारक पुत्र कारक, आत्मकारक पुत्र कारक को देख रहा है, तो बट नेचुरल है कि पुत्र कारक भी आत्मकारक पर दृष्टि रखेगा। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है, यानी कि उसे गवर्नमेंटल पावर एंड अथॉरिटी मिलती है, या किसी सब्जेक्ट विशेष विशेष में उसको अथॉरिटी मिलती है, यानी विद्वता की अथॉरिटी होती है। उसको लग्जूरियस लाइफ का योग बनता है, यानी उसके जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, गाड़ियां बंगले और दूसरी चीजें हैं, उनका उसको योग बनता है। इस पे हमें जो जिस बात को कभी भी राजयोग में हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि वो राशि के अंदर वो कितना बली है, या फिर हमें देखना होता है कि उसका जो राजयोग तभी वो अच्छा फल देगा जब उसका बल जो है नमांश के अंदर त्रिष्कांड के अंदर भी अच्छा बल लग रहा होगा। यानी कि ये पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार ही चलता है। जिस प्रकार से ऋषि पाराशर ने बताया था कि आपके राजयोग जो है उनका फलित करने के लिए आपको डिविजनल चार्ट्स में देखना होता है, यहाँ पे ऋषि जमीन ने सिर्फ दो डिविजनल चार्ट्स की बात की है। आजकल तो कुछ ऐसे मॉडर्न राइटर्स हैं जो बाकी डिविजनल चार्ट्स भी देखने लगे हैं, लेकिन ऐसा ऋषि जमीन ने नहीं बोला है, तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। वी शैल स्टिक टू दिस सब्जेक्ट, तो वो हम जो है ऋषि के द्वारा लिखे गए सब्जेक्ट पे ही हम स्टिक करेंगे। तो उनके अनुसार ये है कि इस दोनों स्वामियों को, यानी कि आत्मकारक को और पुत्र कारक को, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को, इनके बलाबल को हमने देखना होता है कि द्रेशकांड चार्ट में और नवमांश चार्ट में भी ये बली हैं या नहीं है। अगर ये निर्बल हो जाएंगे वहां जाके, और खास तौर पे नवमांश चार्ट को ज्यादा महत्व तो दिया गया है, अगर नवमांश चार्ट में ये भी निर्बल हो जाएंगे तो फिर ये राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, इसका बहुत आंशिक फल मिलेगा। दूसरा उन्होंने जो है ऋषि जम्मी ने ये बोला है कि अगर कोई राजयोग बनाने वाला प्लैनेट अगर उच्च का हो अथवा नीच का हो, क्योंकि ऋषि जम्मी के अनुसार नीच के जो प्लैनेट होते हैं वो अपने कारकत्वों में व्यक्ति को बहुत मेहनत कराते हैं, जिंदगी के अंदर उसको एक स्ट्रगल की लाइफ में लाके उतार देते हैं, जहां पे वो बहुत विजित निकल के आता है, यानी कि उसकी जो एक्यूमन है, उसकी जो स्किल सेट्स हैं, वो सारे के सारे उस क्षेत्र विशेष में डिवेलप होते हैं। तो अगर कोई, जैसा आप ये सोचिए कि सपोज कोई जमींदार है, वो जो है पट्टेदारी पे अपनी जमीन जो है मजदूरों से करवाता है, और किसी वजह से मजदूरों का पलायन हो जाए उस जगह से, और उसके परिवार के लोगों को अगर टिलिंग करने पड़े, मतलब उनको ही खेतों में खेत जो है ट्रैक्टर से जोत के उनमें फसल को उगाना पड़े जमींदार के परिवार के लोगों में, तो वो लोग मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, उनको कृषि की जो जानकारी है वो पुख्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो उसका मतलब है कि उनका ये कहना है, अभी आप एक बात देखिए कि कोरोना में COVID-19 के डेल्टा वेरिएंट में जो मेड सर्वेंट्स हैं वो घरों में नहीं आ रही थी, तो वो जो हस्बैंड जो घर में हमेशा बैठ के हुक्म चलाते थे, उन्होंने अपनी वाइफ को हेल्प की कि नहीं की, या वाइफ्स ने जो कि बाहर के काम करती थी वो घर के कामों में भी उनको
एक स्टेमिना का अनुभव हुआ। तो ये जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स होते हैं, ऋषि जैमिनी के अनुसार ये अपने कारकत्वों में व्यक्ति को खड़ा करते हैं और वो ऑड्स के अगेंस्ट में विजित होता चला जाता है, तो इसलिए इनको रिस्पेक्ट दी गई है। तो यानी कि जब आपने ये देखना है कि कोई भी राजयोग फॉर्म हो रहा है तो आपने देखना है कि क्या राजयोग बनाने वाला ग्रह उच्च का है, नीच का है, वो किसी भी प्रकार से नवमांश के लगन के साथ में या तो वहां पे प्लेस्ड हो या वो एस्पेक्ट दे रहा हो, और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ में होना चाहिए और एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स होना चाहिए, यानी कि उसको अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो रही हैं, तो ऐसे में यही प्रथम और पंचम भाव के स्वामियों का जो राजयोग है 58 पॉइंट जो है 57th पॉइंट को क्वालिफाई कर रहा है। प्रथम और पंचम भाव के स्वामियों का जो संबंध बन रहा है, यानी कि आत्मकारक और पुत्रकारक का जो संबंध बन रहा है, उसी को महाराजा योग के रूप में जाना जाएगा, जो कि आदमी को इंटरनेशनल फेम और स्टेटस क्रिएट करता है। ये इसी महाराजा योग में जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेंथ देते हैं किसी भी ग्रह को राजयोगा फॉर्मेशन में, वो होते हैं कि साइन लॉर्ड, मैंने आप लोगों को ये अभी मैंने रिकैप में भी बताया था, विष्णु शिवा और आदित्य, आदित्य को बोलते हैं सूर्य और ब्रह्मा। अगर महाराजा योग बनाते हुए प्रथम और पंचम का आत्मकारक और पुत्रकारक के संबंध में जो महाराजा योग बन रहा है, जो कि नवमांश के अंदर भी लगन के साथ संबंधित हो गया है, जो काफी स्ट्रांग है, प्लैनेट या तो एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है और बेनिफिक्स के द्वारा एस्पेक्टेड है, इस 58 को क्वालिफाई किया गया है 59 पॉइंट पे। इसी महाराजा योग में अगर प्लैनेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने ओन हाउस के स्वक्षेत्रीय हों, एग्जॉल्टेड हों, उनपे अगर एस्पेक्ट पड़ा हो बुद्ध का, यानी कि विष्णु भगवान का, गुरु का यानी कि शिवा का, लॉर्ड शिवा का, और साइन लॉर्ड का, अपने ही राशि के स्वामी का, तो ये आदित्य का एस्पेक्ट माना जाता है, यानी कि ऐसे में सूर्य और ब्रह्मा का एस्पेक्ट माना जाता है। इसे थियोलॉजिकली इस तरह से इंटरप्रेट किया है ऋषि जैमिनी ने, यानी कहने का मतलब है कि बुद्ध को इतनी पावर दे दी गई है जिन्हें विष्णु भगवान के समकक्ष माना गया है, गुरु को इतनी पावर दे दी है जिन्हें कि लॉर्ड शिवा के समकक्ष माना गया है, और राशि के स्वामी को इतना एम्पावर्ड माना गया है कि विच इज इक्विवेलेंट टू सन एंड ब्रह्मा जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोगा बनेगा। अब ये सारे आपको ना ग्रेड्स जो राजयोगा के क्वालिफायर में बताए जा रहे हैं, इससे धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप यूं समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति स्टेट लेवल पे बड़े लेवल पे जाएगा, कि नेशनल लेवल पे बड़े लेवल पे जाएगा, कि इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। अब जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं या जितने भी हमारे ओलंपियंस हैं, क्योंकि गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं वो इंटरनेशनल फेम्स वगैरह लेते हैं, और जितने हमारे स्टेट के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो स्टेट लेवल के हैं, नेशनल लेवल के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हैं, या इसी तरह से अमेरिका या यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये सब हैं, ये इंटरनेशनल फेम भी लेते हैं, तो ये ग्रेड्स इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं फ्रॉम 57 टू 59। अब एक जो ये नियम में उन्होंने बात की है वो है कि अगर ये यही राजयोग महाराजा योग जो बनता है आत्मकारक और पुत्रकारक के द्वारा, ये अगर योग अगर लगन पे बने या सेवंथ हाउस पे बने, मतलब तो ये थोड़ा सा लाइफ में लेट होता है लेकिन मीटियोरिक राइज देता है 30 इयर्स के बाद। तो अब अगर आप देखें व्लादिमीर प्यूतिन की हॉरोस्कोप में लगन से संबंधित है पंचम भाव का सिग्निफिकेटर चार कारक पुत्र कारक, और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में भी पुत्र कारक लगन से संबंधित है, महाराजा योग बनता है। लेकिन आप देखिए व्लादिमीर पुतिन का जो एसेंडेंसी भी है, अभी करेंटली इज रनिंग अबाउट 69 इयर्स, सो इट बीन इन पावर फॉर द लास्ट सम 14-15 इयर्स, तो इसका मतलब है कि ये फ्रुक्टिफाई कब हुआ है, इन लेट 40s में जाके, व्हेन ही इज एक्चुअली कम टू द पावर। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी काफी लेट, वो जिस समय वो मेरे ख्याल से अरकानसास के गवर्नर तो वो थे बिल क्लिंटन, ये कैंसस का कहीं का गवर्नर था, सीनेटर थे, लेकिन ये लेट लाइफ में बने, उसके पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इसका मतलब है कि प्रथम भाव और सप्तम भाव से अगर वो संबंधित होता है तो ऋषि जैमिनी के अनुसार
एक आदमी को मीटियोरिक राइज तो मिलेगा, यानी कि वो जिंदगी में मीटियोरिक राइज का मतलब वो जिंदगी में बहुत उछाल लेके ऊपर आएगा और महाराजा अधिराज योग होने की वजह से बहुत बड़े लेवल पे आएगा इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे वो डिस्प्ले होगा लेट लाइफ में। इन्होंने वैसे ऋषि जन्मी के अनुसार 30 ईयर्स के बाद में लेट लाइफ की है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस जमाने में 30 ईयर्स को काफी लेट माना जाता था, क्योंकि लोगों के विवाह जब महाभारत काल में साइंस लिखी गई है बच्चों के सभी के विवाह जो है वैसे हो जाते थे 12, 14, 15 में, और उसके बाद जो है 30 ईयर्स जो है लेट लाइफ ही मानी जाएगी। तो उन्होंने लेट लाइफ का उनका क्वांटिफिकेशन जो है वो 30 ईयर्स है, लेकिन जैसे हम व्लादिमीर पुतिन का बायोपिक आप देख लीजिएगा विकिपीडिया में कि कितनी उम्र में जाके वो क्रेमलिन में एक मेंबर बने, और वो फिर पहले वो प्राइम मिनिस्टर बने फिर प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो मेरे ख्याल से आज करीब 15-16 साल से वो पावर में है। आज वो 69 ईयर्स के हैं, तो 15 साल आप उसमें कम करेंगे तो लगभग 53-54 में वो पावर में आए हैं। अब इसके बाद जो है उन्होंने 61 जो पॉइंट है, हाँ विनीत जैन साहब ये 60 पॉइंट के बारे में आप क्या पूछ रहे थे? सर 60 पॉइंट नहीं, जो आपकी आज वाली थी प्रेजेंटेशन जो आपने आज वाला भेजा है, तो विनीत साहब जिस समय वो आएगा पॉइंट ना तो उस समय आप मुझे दीजिएगा। जी 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 नो वरी। अच्छा, अगर ये राजयोग जो है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये राजयोग 7th हाउस में 9th हाउस में 12th हाउस में अगर ये राजयोग बनेगा तो ये जो मीटियोरिक राइज होगा व्यक्ति का ये विदेशों में जाके होता है, यानी कि जो देखिए जो नियम पीछे आ चुका है 60 नंबर में वो नियम 7th हाउस पे यहाँ भी लागू होगा। मीटियोरिक राइज होगा लेकिन लेट लाइफ में होगा, फॉरेन कंट्री में होगा। अब ये 7th, 9th एंड 12th हाउसेस में अगर ये राजयोग बनता होगा, ये पुत्र कारक और आत्म कारक का संबंध या पुत्र कारक का लग्न के साथ संबंध या प्रथम भाव का पंचम भाव से संबंध, इस तरह का अगर कोई भी राजयोग अगर बनेगा और 7th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस में बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को जो मीटियोरिक राइज मिलेगा वो फॉरेन लैंड में मिलेगा। अब इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि चंद्रमा और शुक्र अगर आपस में कंजॉइंड हो, यानी कि वो कंजंक्ट हो, एक साथ बैठे हो, या वो म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हो, यानी हम जेमिनी के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और वो चर दशा पे भी एस्पेक्ट रख रहे हो महादशा और अंतर दशा में, तो ऐसी दशा के दौरान जिसमें चंद्रमा शुक्र का चर महादशा या चर की अंतर दशा पे दृष्टि का एस्पेक्ट हो या वो वहां पे पोजाइटेड प्लेस्ड हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति को बड़े ऑर्डर के कन्वेंस और लग्जरीज लेने का योग बनता है या मिलने का योग बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये मेरा एक क्लाइंट है जो दिमाग प्रॉपर्टीज के मैनेजिंग CEO अपॉइंट हुए थे, तो उनको वहां पे जो है उनको 2 BMW दिमाग प्रॉपर्टीज जो है वो सऊदी की सबसे बड़ी बिल्डर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिल्डर प्रॉपर्टीज हैं, उसके जब वो CEO अपॉइंट हुए थे एट ए सैलरी ऑफ 8 CR टैक्स फ्री, तो उस समय उनको 2 BMW जो है अलॉट हुई थी, तो उस टाइम पे चंद्रमा और शुक्र का संबंध उनकी चर दशा में अंतर दशा के लॉट के साथ में बन रहा था, तो इस प्रकार से बड़े कन्वीनियंस और लग्जरीज वगैरह आदमी को मिलती है। मंगल शुक्र और केतु, केतु को जो आप देखिएगे इसमें ऋषि जैमिनी ने काफी ताजपोशी की है, यानी उनको बहुत रिस्पेक्ट प्रदान की गई है, वो अगर मंगल शुक्र और केतु ये तीनों प्लैनेट अगर ये साथ में बैठ जाएं या ये आस्पेक्ट करते हो आत्मकारक को या प्रथम भाव को द्वितीय भाव को या चतुर्थ भाव को, मतलब द्वितीय भाव क्यों, क्योंकि ये वेल्थ का भाव है, चतुर्थ भाव क्यों, क्योंकि ये सुख का भाव है और डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस का एसेट्स का भाव है, तो एक राजयोग इसमें बन जाता है। इस राजयोग में आवश्यक ये है ये तीनों ग्रहों का आपस में एक संबंध बनना चाहिए, मंगल का, शुक्र का, केतु का, चाहे वो कंजॉइंड हो यानी कि युति में हो और या वो आपस में दृष्टि संबंध में हो, और इसके साथ में वो संबंध प्रथम भाव से आत्मकारक से अथवा सेकेंड हाउस से अथवा चतुर्थ भाव के साथ में अगर बना रहे हो, तो इस राजयोग के बनने पे व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य का, बहुत अच्छी वेल्थ का और हैप्पीनेस
प्रॉमिस होती है, यानी वो काफी सुखी होता है, खुश होता है, जीवन के अंदर उसको खुशी मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और वो वेल्दी होता है। इसमें 64th पॉइंट है कि जब भी प्रथम भाव का जो स्वामी है, यानी कि लगन का स्वामी है, लग्ना स्वामी, 7th का स्वामी और 9th का स्वामी, अगर वो आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो या वो कंजंक्शन में हो, तो एक राजयोग बन जाता है। यानी प्रथम का, 7th का और 9th का कोई भी संबंध बने तो जैमिनी का एक राजयोग बनता है। और ये राजयोग अगर प्रथम या 7th हाउस में बनेगा तो ये लेट लाइफ में 30 इयर्स के बाद में 55 होगा। और ये राजयोग अगर 2nd हाउस या 4th हाउस में होगा तो ये अर्ली चाइल्डहुड से ऐसा राजयोग का फल मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि वो पैतृक संपत्तियों के साथ में ऐसा व्यक्ति अमीरी के साथ में पैदा होगा। यानी कि 2nd हाउस एंड 4th हाउस में अगर यही राजयोग बनेगा, जो कि राजयोग है लगन का स्वामी, इसमें आपको ये तीनों हाउसेस को याद रखना है, लगन का स्वामी, 7th का स्वामी और 9th का स्वामी, अगर ये संबंध बनाते हो, या तो एस्पेक्टोरियल संबंध इनके बनते हो, दृष्टि के संबंध, या इनके कंजंक्शन के संबंध बनते हो, और ये संबंध अगर प्रथम या सप्तम भाव में अगर बन रहा है तो ये तो लेट लाइफ में व्यक्ति को होगा 30 वर्ष के बाद। लेकिन यही अगर राजयोग अगर 2nd हाउस एंड 4th हाउस में होगा तो अर्ली चाइल्डहुड से व्यक्ति को अमीरी के और धनाढ्य होने का योग बनेगा। जिन हाउसेस में राजयोग कोई भी बनता है तो उनको राज्य स्थान कहते हैं। अब 2nd और 4th हाउस में अगर बनेगा तो इजीली अचीव्ड होगा, वो बहुत आसानी से होगा, अर्ली लाइफ में होगा। और जब वो प्रथम और 7th में होगा तो वो मैनिफेस्ट होगा कुछ मेहनत के बाद और 30 इयर्स के बाद। लेकिन ये जो हाउसेस होंगे, जिन हाउसेस पे राजयोग बनेगा, वो राज्य स्थान बन जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पाराशरी के नियमों से हम वाकिफ हैं, जिन राज्यों का फॉर्मिंग हाउसेस में, जिनको हम राज्य स्थान कह रहे हैं, वो राज्य स्थानों के कारकत्वों को ऋषि जैमिनी ने नहीं बदला है। उसके कारकत्वों को लेकर आपको बहुत एक राजयोग की फीलिंग होगी। जैसे सपोजिंग 7th हाउस में बना तो आप जानते हैं कि 7th हाउस से पब्लिक का परसेप्शन आपके बारे में देखा जाता है, 7th हाउस से आपके लाइफ पार्टनर को देखा जाता है या बिजनेस के पार्टनर को देखा जाता है या आपकी पद प्राप्ति को देखा जाता है। तो इसका मतलब है चूंकि राज्य स्थान बन गया ये राजयोग बनाने वाला, तो इसका मतलब 7th के जो सिग्निफिकेशन हैं वो भी आपकी जिंदगी में खुशहाली लेके आएंगे। यानी आपको कि आपको लाइफ का पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, आपको बिजनेस का पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, आप पब्लिक का परसेप्शन आपके बारे में बहुत अच्छा होगा, आपका दैनिक रोजगार मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन आपके अच्छे होंगे, आपके डे टू डे सेल भी अच्छी होगी, इसी प्रकार से आपकी पद प्राप्ति भी काफी अच्छी होगी। आप में से जैसे हाथ खड़ा किया है बोलिए। गुरु जी हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि 7th हाउस या 1st हाउस या 4th हाउस या 10th हाउस, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब कि 2nd हाउस, हाँ 2nd हाउस, ये आइदर और विनय चिल साहब, ये आइदर और है। यस सर मेरा कहना था कि अगर राजयोग बनाने वाले प्लैनेट अलग अलग हाउस में बैठे हुए हैं तो इनको इनको इस वाले सूत्र को जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए तो दोनों को एक ही हाउस में बैठना पड़ेगा, कंजंक्ट होना पड़ेगा। करेक्ट, या तो कंजंक्ट होना पड़ेगा या आपको मैंने बताया था कि जैमिनी के अंदर म्यूचुअल एस्पेक्ट होते हैं, या उनको एस्पेक्ट देना होगा। और एस्पेक्ट के साथ में सपोजिंग एक प्लैनेट इनमें से 2nd हाउस में बैठा है और एक प्लैनेट अन्यथा कहीं और बैठा है, 3rd हाउसेस में नहीं बैठा, लेकिन अगर वो म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनका संबंध बन गया। संबंध जो जैमिनी ज्योतिष में होता है वो दो तरह से होता है, तीन तरह से होता है। पहला तरह तो होता है कंजंक्शन के द्वारा, युति के द्वारा। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है एस्पेक्ट के द्वारा। एस्पेक्ट हमेशा म्यूचुअल एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर वो द्वितीय हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, मतलब यहाँ पे प्रथम और पंचम के या आत्मकारक पुत्रकारक की बात हो रही है, अगर आत्मकारक पुत्रकारक में से एक अगर दूसरे में बैठा हो और दूसरा अगर बैठा हो 5वें भाव में और वहां से एस्पेक्ट दे रहा हो, तो वो एस्पेक्ट हो जाएगा, माना जाएगा। या वो 7th हाउस में बैठ के अगर एस्पेक्ट दे रहा है द्वितीय भाव को, तो वो एस्पेक्ट माना जाएगा। ये दोनों ही 2nd हाउस में बैठा हुआ है तब तो कुछ बात ही नहीं है, तो तब तो कोई देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट, 2nd में बैठा हो या 4th में बैठा हो। ठीक है सर। और आप में से किसी और ने भी हाथ खड़ा किया था, बोलिए। दो लोग जी सर,
जी गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था, ये पॉइंट नंबर 41 एंड 42, इनको इसी के अंदर जरा एक बार क्लेरिफाई कर दें कि मैरिज का टाइमिंग है, एक प्रमोशन का है, प्रमोशन गेटिंग जॉब एंड प्रमोशन इन जॉब, 41 एंड 42 सर। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों का रह गया था, सॉरी, इसको भी एक मिनट इसको पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ ये मैंने पूरा पढ़ लिया था सर, 40 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, पूरी क्लास की बात है, ये मेरा मैं मिस कर गया। जो जब हम किसी फोर्स मटेरियल पर पढ़ते हैं तो हम उसे पूरा पढ़ते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है, इसमें जो पहला पॉइंट है, इसके पहले रिकैप है, रिकैप मैं आपके साथ में कर चुका हूँ, और रिकैप के बाद में जो चर दशा का फलादेश है उसका ये मॉड्यूल 1 है। इसमें पॉइंट नंबर 29 में क्या है कि इसमें जो ये बात जो है के एन राव साहब के द्वारा कही गई है, इसमें जो जैमिनी की चार दशाओं में जो मिथुन राशि की दशा होती है वो दशा बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह दशा जो है व्यक्ति को काफी प्रोग्रेस देती है धन के रूप में और मान सम्मान के रूप में, लेकिन इसमें आत्मकारक बैठा हुआ ना हो। अतः अगर ये ऐसी दशा हो जैसे मेरी चल रही है जैमिनी की दशा, मिथुन राशि की दशा जिसमें आत्मकारक बुध बैठे हैं, तो ये इस दशा में जब से दशा आई है तब से मुझे काफी स्वास्थ्य को लेके परेशानियां हुई हैं। तो उसमें उसमें उन्होंने के एन राव साहब ने कहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आत्मकारक अगर ना बैठा हो और जैमिनी राशि की दशा हो तो ये दशा बहुत अच्छी होगी वर्क को लेकर, मान सम्मान को, धन को लेकर, लेकिन अगर उसमें आत्मकारक अगर बैठे होंगे तो ये कार्मिक दशा हो जाएगी और दिस विल बी कंसिडर्ड बैड फॉर हेल्थ ऑफ सेल्फ एंड द फैमिली, मतलब खुद के लिए स्वास्थ्य के लिए भी खराब होती है और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी खराब होती है। इसमें 30 नंबर के पॉइंट में जो बात मिस आउट हो गई है उसको आप याद रखिएगा, अग्नि तत्वों की 3 राशियां हैं जैसे कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो अग्नि तत्व की राशियों की दशा अच्छी नहीं होती और मंगल की दूसरी राशि की दशा, ये जनरल एक रूल है कि स्कॉर्पियो होती है यानी कि वृश्चिक उसकी दूसरी राशि है, इनकी दशाएं अच्छी नहीं होती। साथ में शनि की दोनों राशियां कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस यानी मकर और कुंभ राशि की दशा, ये इवल रिजल्ट्स देने वाली होती है, एक जनरल नियम है। लेकिन याद रखिएगा इन दशाओं के अंदर अगर मातृकारक का संबंध बनता हो, आत्मकारक का, पुत्र तारक का या इसी प्रकार से फिफ्थ लॉर्ड का या दारा कारक का, इन सबका, तो उसके रिजल्ट जो है परिवर्तित हो जाएंगे। ये एक जनरल जेनेरिक रूल है, यानी कहने का मतलब है अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, एक यहाँ मिस आउट हो गई है, आप यहाँ पे एक क्रॉस मार के आप यहाँ सेजिटेरियस लिख लीजिएगा धनु, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये तो अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक और कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस यानी कि मकर और कुंभ राशि है, इनके जो दशा साइंस होते हैं ये इवल रिजल्ट देते हैं इन ए जनरल रूल, और इसमें एक्वेरियस राशि की जो दशा होती है सबसे खराब होती है। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मैं अभी एक पुलिस के डायरेक्टर जनरल की कुंडली देख रहा था, एक्वेरियस राशि की दशा में ही वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अपॉइंट हुए हैं, यानी उनके जीवन में काफी बड़ा चेंज आया, बदलाव आया है, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल से डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट के बने हैं, वो एक्वेरियस की दशा में है। तो आप ये समझिए ये जनरल रूल की दशा है, आपको जिन बातों को याद रखना है वो राजयोग फॉर्मिंग जो हमारे 5 ग्रह हैं, अगर इनका संबंध अगर इन राशियों के साथ बन जाए तो फिर दशा में परिवर्तन हो जाएगा। इन दशाओं में जो एक जनरल रूल है वो है कि इन दशाओं में फाइनेंशियल वरीज होती हैं, यानी कि एक आदमी को धन की समस्याएं आती हैं, उसको कोर्ट केसेस वगैरह लड़ने होते हैं, उसको जॉब्स में जो है सस्पेंशन या जॉब्स में परेशानियां होती हैं, उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, इस तरह के चेंजेस उसको झेलने पड़ते हैं। धनु राशि की दशा के बारे में के एन राव साहब ने यहाँ तक लिख दिया है कि धनु राशि की जो चर दशा या अंतर दशा आती है तो उसमें परिवार में किसी व्यक्ति का लॉस भी हो जाता है। स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो साइन जो है वो कब तक ट्रबलसम होता है, वो ट्रबलसम होता है उस अंतर दशा तक जिस अंतर दशा में केतु जो है, केतु पोजाइटेड राशि की अंतर दशा आती है, यानी आपको मालूम है कि स्कॉर्पियो के 2 राशि के लॉर्ड हैं, एक मंगल और एक केतु, तो केतु की जो वृश्चिक राशि की दशा है वो ट्रबलसम कब तक रहती है,
उस अंतर दशा तक रहती है जिस अंतर दशा में वो राशि आती है जिसमें केतु प्लेस्ड राशि है, मतलब तो केतु बैठे हो उस राशि में, वहां से जाके वो दशा अच्छी हो जाती है। कैप्रिकॉन जो है वो बिगनिंग की दशा में, मकर राशि की दशा बिगनिंग में या एंड में व्यक्ति को एंग्जाइटीज क्रिएट करती है, यानी वो चिंता का विषय बनती है इस तरह की दशा। चिंता किसी भी कारण से हो सकती है, आदमी को जॉब के कारण हो सकती है, फाइनेंस के कारण हो सकती है, हेल्थ ऑफ सेल्फ और हेल्थ ऑफ फैमिली मेंबर्स हो सकती है, लिटिगेशन से हो सकती है, सस्पेंशन से हो सकती है, चेंज ऑफ जॉब से हो सकती है, कोई भी कारण ऐसा बन सकता है जो कि एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। दशा साइन जो है राहु की, राहु पोजाइटेड राशि की जब चर दशा आती है जिसमें राहु प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, उसकी जब चर महादशा आती है अथवा चर अंतर दशा आती है तो व्यक्ति के जॉब को लेकर परेशानियों के सबब बनते हैं, उसके मकान लैंडेड प्रॉपर्टीज इन सब में भी परेशानियां आती हैं। एक्वेरियस की के दो लॉर्ड्स हैं, एक शनि और एक राहु, इनमें से एक लॉर्ड राहु अगर एक्वेरियस पे ही बैठे हो तो ये दशा जो है व्यक्ति को अच्छे परिणाम देती है, ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति विदेश में जाकर अपनी अर्निंग्स कर पाता है। यानी कि अगर कुंभ राशि की दशा किसी को चल रही हो और कुंभ राशि का एक लॉर्ड है राहु जो कि कुंभ राशि पे ही विराजमान हो, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है विदेश में जाके धन अर्जन करता है। पॉइंट नंबर 35 है, अगर स्कॉर्पियो की दशा हो, वृश्चिक राशि की दशा हो, वृश्चिक राशि के दो स्वामी हैं, एक मंगल और केतु, और केतु अगर उस पर प्लेस्ड हो उस राशि में तो ये दशा जो है बेनिफिशियल होती है और ये अच्छी होती है। और किन बातों में अच्छी होती है, व्यक्ति के को मैटर्स ऑफ मैरिज, जॉब एक्सेट्रा, इनमें अच्छे परिणाम देती है। या तो व्यक्ति अगर मैरिजेबल एज का होगा और अगर इफ यू लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर तो उसकी मैरिज हो जाएगी। अब ये दशा उस समय आए जब व्यक्ति 80 साल का हो या 70 साल का हो, आप कहें मैरिज नहीं हुई, तो हमें ना अपने कॉमन सेंस को यहाँ यूज करना होगा। या बच्चा अगर कोई 10 साल का, 14 साल का, 12 साल का है तो उसकी मैरिज नहीं होने वाली। मैरिजेबल एज में हमने देश काल पात्र के अनुसार हमने सोचना है। दशा था नहीं साइन अगर स्कॉर्पियो का आया है, उसमें केतु एक उसका एक लॉर्ड बैठा है, तो ये दशा काफी शुभ दशा होगी व्यक्ति का, ये का विवाह कराने में या उसको जॉब दिलाने में। तो इसकी अंतरदशा भी अच्छी होगी गुरुजी? हाँ, अंतरदशा भी अच्छी होगी। जो भी नियम है दशा के ऊपर, महादशा के ऊपर, वो अंतर और प्रत्यंतर दशा पर भी लागू होते हैं। और मैंने आपको बताया कि हम प्रत्यंतर दशा तक ही हम इसमें देखते हैं जेमिनी में, हमें सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर देखने की आवश्यकता नहीं होती, सॉफ्टवेयर में तो दिया होता है। अब लगन से 6, 8, 12 में पढ़ने वाले जो दशा के साइंस है, लगन से 6th, 8th and 12th में जो राशियां पड़ती हैं, अगर उन राशियों की दशा या अंतर दशा व्यक्ति के जीवन में आती है तो वो दशा नॉर्मली ब्राइट होती है। इसी प्रकार से महादशा और अंतर दशा में अगर 6, 8, 12 का इक्वेशन बनता हो तब भी दशा अच्छी नहीं होती। ये यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया है, कल जब मैं आपको ये कोर्स मटेरियल भेजूंगा तो उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। 6, 8, 12 का जो कॉन्सेप्ट है ये त्रिक या दुख भावों का है। एसेंडेंट से अगर 6, 8, 12 में दशा के साइंस अगर हैं, तो अगर लगन से अगर 6, 8, 12 में दशा के साइंस हैं तो वो दशा अच्छे परिणाम नहीं देती। इसी प्रकार से महादशा और चर अंतर दशा में अगर 6, 8, 12 की इक्वेशन बनती है तब भी अंतर दशा के परिणाम अच्छे नहीं होते। अगर किसी भी राशि के अंदर, यहाँ पे वृश्चिक राशि की दशा की बात नहीं है, जिस भी राशि पे केतु अगर बैठे हैं, वो केतु अपनी जब वो राशि जो है उदित होती है जिसमें कि केतु बैठे होते हैं, तो वो पैसे के लिए भी अच्छी होती है और परिवार को बढ़ाने के लिए भी अच्छी होती है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छी होती है। जिस समय मेरा विवाह हुआ था उस समय एक्वेरियस की चार में प्रत्यंतर दशा चल रही थी, जिस एक्वेरियस राशि पे कुंभ राशि पे केतु विराजमान है, तो उसी में मेरा विवाह हो गया था और उसी दशा के अंदर मुझे काफी अवार्ड्स वगैरह भी कंपनी से मिले थे और इसी दशा में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होती है। तो आप तो जानते हैं विवाह के बाद आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है। क्योंकि वो फिर भगवान की शरण में ही आ जाता है, देवी की शरण।
अच्छा, इसके बाद 38 नंबर पॉइंट है कि चंद्रमा और शुक्र, अगर चंद्रमा और शुक्र अगर दशा साइन, कोई भी दशा साइन हो, चार दशा का उसकी दशा चल रही हो अथवा अंतर दशा चल रही हो, उसके द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के अंदर चंद्रमा और शुक्र बैठे हों या उस भाव पे दृष्टि रखते हों, तो ये दशा काफी फैबुलस होती है वेल्थ को लेकर। इस दशा में काफी धन का अर्जन होता है, यानी धन के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है। अगर यही चंद्रमा और शुक्र दशा के महादशा अंतर दशा से अगर बारहवें बैठे हों, उस राशि में बैठे हों, दशा साइन की राशि से बारहवें बैठे हों, तो व्यक्ति का धन अपव्यय होता है, यानी ही लूजेस आउट ऑल हिज मनी। तो इसका मतलब ये बहुत आसान सा नियम है कि चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव पे बैठे हों या द्वितीय भाव को एस्पेक्ट दे रहे हो दशा साइन से, दशा महादशा हो या अंतर दशा हो, तो धनार्जन होगा और धन का रुकाव होगा, एक व्यक्ति को काफी धन मिलेगा। और यही अगर चंद्रमा और शुक्र बारहवें भाव में, दशा साइन से बारहवें भाव में बैठे हो या बारहवें भाव पे एस्पेक्ट दे रहे हो, तो बारहवां भाव अगर एक्टिव हो जाएगा मून और वीनस के द्वारा, तो वो बारहवें से धन का अपव्यय करा देगा। तो गुरु जी, केतु जिस साइन में भी बैठा हो उसकी दशा चल पड़े तो अच्छी ही है। विवाह के लिए, परिवार की ग्रोथ के लिए और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अच्छी दशा होती है। अब पॉइंट नंबर 39 है, राहु अगर सेकंड हाउस में अगर है दशा साइन से, तो व्यक्ति का सारा पैसा जो है बर्बाद हो जाता है। जो भी दशा या अंतर दशा अगर चल रही है चर, उससे अगर द्वितीय भाव में राहु अगर विराजमान है, तो ऐसे में व्यक्ति का सारा धन का अपव्यय होता है। राहु अगर बारहवें में बैठा हो अगर दशा साइन के, तो उसमें जो ट्रबल होता है वो प्रोफेशन में काफी परेशानियां, मुश्किलें व्यक्ति को आती है प्रोफेशनल लाइफ में। दशा साइन से मंगल और केतु, या दशा साइन से अगर बारहवें में अगर बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति के घर में फायर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। यानी कि दशा साइन के बारहवें में अगर मंगल और केतु अगर विराजमान हैं, तो ऐसे में फायर के एक्सीडेंट प्रोबेबल है। अब देखिए, मॉडर्न राइटर्स जो है इसमें एस्पेक्ट्स को भी पूर्ण इज्जत देते हैं। वो कहते हैं कि मंगल और केतु अगर एस्पेक्ट भी दे रहे हैं दशा साइन के बारहवें में, तो बारहवां मंगल और केतु के एस्पेक्ट की वजह से एक्टिवेटेड माना जाएगा, तो इसमें भी आगजनी का खतरा बनेगा। अब ये बात जो है ना, जैसे जैसे आप पढ़ पढ़ के इन नियमों को लगाएंगे कुंडलियों पे, अगर आपके पास में ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि आगजनी की घटना हुई है उनके घर में, तो आप ये देखिए कि वो बैठा हुआ है प्लैनेट या एस्पेक्ट दे रहा है। अगर वो एस्पेक्ट दे रहा है और आगजनी भी है, तो उसका मतलब है कि मॉडर्न राइटर्स जिन्होंने रिसर्च किया सब्जेक्ट में, उनका कहना ठीक है, अन्यथा हम इसको जो है पोजाइटेड लेंगे, प्लेस लेंगे। जैमिनी पे बहुत, सबसे ज्यादा रिसर्च का विषय जैमिनी का सब्जेक्ट बना है। उसका एक कारण है क्योंकि जैमिनी ऋषि ने बहुत छोटे छोटे सूत्रों में इस सब्जेक्ट को लिखा है, विच आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन बाय मेनी मेनी राइटर्स, और सम ऑफ द ओल्डर राइटर्स एज वेल एज द न्यू मॉडर्न राइटर्स हैव मिस इंटरप्रेटेड दोस स्मॉल सूत्र। तो इस वजह से क्या हुआ है, इस सब्जेक्ट में सबसे अधिक रिसर्च की जा रही है, और रिसर्च पे के एन राव साहब इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी हैं और काफी आगे हैं। तो के एन राव साहब को हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने करीब करीब इसमें 50,000 कुंडियों पे रिसर्च की है, उनके रिसर्च बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से इस पे रिसर्च जो है एक डिफरेंट डिटोर लेके रिसर्च की है संजय रथ साहब ने, उनमें से भी मैं आपको चीजें, चुनिंदा चीजें लेके मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब जगदीश नंद साहब ने जो प्रश्न पूछा था वो 41 आ गया है। इसके इवेंट ऑफ मैरिज के बारे में ये कहा जाता है कि कभी भी व्यक्ति की मैरिज कब होती है, मैरिज होती है वो ऐसा दशा का साइन या अंतर दशा का साइन जिस पर धारा कारक बैठा हो। धारा कारक आपका लीस्ट डिग्रीज वाला प्लैनेट है आपकी कुंडली में, यानी सबसे कम डिग्रीज का जो ग्रह है वो धारा कारक है, या उस पे राशि, ऐसी राशि पे जिस पे केतु बैठे हो या शुक्र बैठे हो। मैंने आपको बताया मेरा विवाह जो है कुंभ राशि की के प्रतिंतर में हुआ,
जिस प्रत्यंतर में केतु जो है कुंभ राशि पे विराजमान थे। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि वह प्रत्यंतर में आके आप उसे जीरो इन कर सकते हैं, बिकॉज आई गॉट मैरिड ऑन 29th of November 1989, तो बिटवीन अक्टूबर एंड द एंड दिसंबर, मतलब बिगनिंग ऑफ दिसंबर, वो जो मेरा प्रत्यंतर चला वो उस समय कुंभ राशि का था और उसी राशि में डेट्स वगैरह निकल के आई। तो वो हमने कोई जैमिनी की दशाएं देख के नहीं निकाली थी, वो सिर्फ ये है कि वो एक जैमिनी से कंफर्म होता है कि ये जो सूत्र लिखा है के एन राव साहब ने, जो सूत्र उन्होंने जैमिनी के उपदेश सूत्र से लिया है, वो सूत्र बिल्कुल सही है। इसमें जो दशा साइन या अंतर दशा का जो साइन है, अगर उसके ऊपर प्लेस्ड हो दारा कारक, या तो दारा कारक बैठे हों या केतु बैठे हों या उस साइन पर वीनस बैठे हों, शुक्र बैठे हों, तो ऐसे में व्यक्ति का की मैरिज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरीके से लगन से सेवंथ हाउस का जो साइन है, या आरूढ़ लगन से सेवंथ हाउस का साइन है, लगन अथवा आरूढ़ लगन से सेवंथ हाउस के साइन में व्यक्ति का विवाह होता है। मतलब लगन से सेवंथ हाउस का साइन या आरूढ़ लगन से, लग्ना आरूढ़ से यानी कि पहले भाव के आरूढ़ से। और मैंने आपको बताया पहले भाव का आरूढ़ जो है कैसे निकाला जाता है, कि पहले भाव का स्वामी जितना आगे गया है उससे उतना ही आगे उसको चल देते हैं। अगर पहले भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा है तो आपका जो लगन का आरूढ़ बनेगा वो पंचम भाव से बनेगा, क्योंकि तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, आपने तीन उसको आगे चल दिया, यानी पंचम भाव से उसका आरूढ़ बनेगा। तो ये लगन का, लगन के सेवंथ हाउस से या आरूढ़ लगन के सेवंथ हाउस से पड़ने वाली राशि की दशा में व्यक्ति का विवाह होता है। जहां पे आपका आत्मकारक जो है, जिस राशि के अंदर में, मतलब आपको दशा साइन कौन सा पढ़ना चाहिए, सेवंथ हाउस की दशा पढ़नी चाहिए, आत्मकारक से सेवंथ हाउस की दशा साइन, यानी कहने का मतलब आत्मकारक आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है वहां से सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उस राशि की दशा के अंदर व्यक्ति का विवाह होता है। इसी प्रकार से उपद दशा में के साइन में विवाह होता है या उपद से सेकेंड हाउस की दशा में। उपद लगन क्या है, बारहवें भाव का लगन आरूढ़ है। बारहवें का स्वामी अगर सपोज किसी का इलेवेंथ हाउस में बैठा है, तो यानी कि अपने से बारहवें बैठा है, तो इलेवेंथ से आप बारहवें में जाएंगे, यानी कि उसका जो उपद बनेगा लगन वो दसम भाव की राशि से बनेगा। तो उपद लगन की जो दशा राशि होगी उसमें व्यक्ति का विवाह होगा, या उपद भाव, उपद लगन से सेकेंड हाउस में जो दशा राशि होगी उसके उसमें विवाह होता है। दारापद ऑक्यूपाइड दशा साइन, दारापद क्या है, सेवंथ हाउस का पद आरूढ़ है, यानी कि आरूढ़ लगन है सेवंथ का, सेवंथ का आरूढ़ लगन। सेवंथ का स्वामी अगर सपोज किसी का नाइन्थ में बैठा है तो वो तीन हाउस आगे चला जाएगा, तो इलेवेंथ हाउस से सेवंथ का आरूढ़ बनेगा। अभी आरूढ़ का जब मैं विषय पे आऊंगा तब मैं आपसे एक्सेप्शन वाली बातें भी करूंगा। इसके अंदर दो एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि अगर लगन का स्वामी लगन में बैठे या सप्तम में बैठे तो दसम भाव का आरूढ़ बनता है लगन से। लगन का स्वामी अगर चतुर्थ में बैठे या दसम में बैठे तो चतुर्थ भाव का आरूढ़ बनता है। ये मैंने आपको अभी तो मैं संड्री वे में आपको बता रहा हूँ इन अ वेरी फ्रिवलस मैनर, बट अभी हमारी जब आरूढ़ की पद लग्न की हमारी क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा। दारापद जो होता है वो सेवंथ हाउस का आरूढ़ माना जाता है। तो दारापद, दारापद जहां पे भी जिस साइन को ऑक्यूपाई कर रहा है, दारापद आपका, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि किसी का सेवंथ हाउस का स्वामी नाइन्थ हाउस में है तो अपने से तीन हाउसेज आगे है, तो तीन हाउस आपने नाइन्थ से चलना है, तो नाइन्थ, टेंथ एंड इलेवेंथ, तो उसका मतलब इलेवेंथ हाउस जो है वो दारापद बन जाएगा। तो उसमें इलेवेंथ हाउस में जो साइन होगा उस साइन को की दशा में व्यक्ति का विवाह होगा। इनको आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारी कंडीशन जो है ए टू एफ आपको याद हो जाएंगी। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, वो दशा दशा सर ये इसको एक एग्जांपल पे ले लें, चाहे आपकी कुंडली खोल के उसके ऊपर। कुंडली के ऊपर खोल के ये उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपको बोलना भी कम पड़ेगा और हमें समझ में ज्यादा आ जाएगी।
ये मेरी कुंडली है, मेरा जो विवाह हुआ था वो 29 नवंबर 1989 में हुआ था। तो आप देखिए उस समय दशा क्या चल रही थी, मुझे लिब्रा में सेजिटेरियस, मैं एक्वेरियस। तो सबसे पहले आप लिब्रा को, आप लिब्रा को अगर आप लग्नवत करते हैं तो हमारा एक नियम तो यह है कि लगन से सेवंथ हाउस की दशा इसमें राइज कर रही है, यानी कि जो महादशा है वो सेवंथ हाउस की है। दूसरा जो सेवंथ का जो आरूढ़ है, वो सेवंथ का आरूढ़ जो है मकर से बनता है। तो सेवंथ का आरूढ़ मकर से क्यों बनेगा, ये आप देखिए कि ये आपकी सेवंथ हाउस का स्वामी अपने से कहाँ गया है, दशम में गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ गया हो या दशम में गया हो तो भाव से चतुर्थ का आरूढ़ बनता है। तो मकर राशि जो है वो दारापद की मानी जाएगी, तो मकर में विवाह हो सकता था। अब जो उस समय दशा थी, लगन के सप्तम भाव की राशि की दशा थी, यानी कि लिब्रा महादशा थी, उसके अंदर जो अंतरा चल रहा था वो सैजिटेरियस का था। तो सैजिटेरियस आप देखिए, ये मेरा आत्मकारक है मरकरी, मरकरी के सप्तम भाव की राशि उदित हुई है। आपने वो नियम पढ़ा है कि आत्मकारक के सेवंथ हाउस की राशि में, यह आत्मकारक है मेरा मरकरी बुध, जो कि मिथुन राशि पे बैठा है और वर्गोत्तम है, नवांश के अंदर भी मिथुन पे है, इसके सेवंथ हाउस की दशा है ये, उससे सप्तम में पड़ने वाली। जगदीश नैन साहब आपको ये बात समझ में आ रही है? जगदीश नैन साहब हेलो। जी सर, जी जी जी, आपको दिख रहा है ना आत्मकारक के सेवंथ हाउस की दशा में दशा हुई है, दिख रहा है आत्मकारक आपका मरकरी है ये, उसके सेवंथ दशा में विवाह हुआ है। दूसरा एक नियम है कि दारा कारक पोजाइटेड राशि की दशा में, तो आप ये देख रहे हैं दारा कारक मेरा गुरु है, जो कि दारा कारक की दशा है वो सेजिटेरियस है, तो यानी कि वो तीसरा नियम भी इस पे लागू हो गया, यानी कि मेरी ही कुंडली में हर दशा के अंदर वो सारे नियम चल रहे हैं। पहला नियम जो है आत्मकारक की सेवंथ हाउस की दशा, तो आत्मकारक की सेवंथ हाउस की दशा में हुआ है, लगन से सेवंथ हाउस की दशा में, यानी कि लिब्रा राशि की दशा थी जो कि लगन से सेवंथ हाउस की दशा है, आत्मकारक से सेवंथ हाउस की दशा में, दारा कारक पोजाइटेड राशि की दशा में। और गुरुजी ये आरूढ़ लगन से भी सप्तम है, और आरूढ़ लगन से भी सप्तम है, बिल्कुल आपने डॉक्टर विनयशील बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मेरा आरूढ़ लगन जो है इसका है तृतीय भाव का, यानी कि मिथुन का है, आरूढ़ लगन से भी सप्तम है। अब जो मुझे प्रत्यंतर आया है जिसमें कि डेट डिसाइड हुई थी, वो मेरा आया था केतु पोजाइटेड राशि का, केतु मेरी कुंभ राशि में बैठे हैं, केतु के कुंभ राशि में बैठने की वजह से ये विवाह की जो डेट्स आई हैं, ये डेट्स एग्जैक्टली दे फेल इन बिटवीन, या देखिए 23 नवंबर 1989 से 15 दिसंबर तक ये दशा रही है मेरी, मेरा विवाह हुआ है 29 नवंबर 1989 में। अब आप लोगों को ये पता चल गया है 29 नवंबर को मेरा विवाह हुआ था, तो आप लोग जो है अपनी पर्स वर्स खोल के रखिएगा उस दिन। यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि इतनी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है मैंने। जगदीश जी भूलेगा नहीं, बिल्कुल अब ये नहीं भूलेगा सर। क्या नोट में लिखिए 29 नवंबर? नहीं वो नहीं, 29 नवंबर की बात नहीं, किसी की भी मैरिज की, डॉक्टर साहब काफी सवाल आते हैं कि बच्चे की मैरिज की डेट बताओ जी, कब सी हो सकता है इसका, कब नहीं हो सकता। आप जगदीश चंद साहब ये देखिए, सूक्ष्मंत में अगर हम जाते हैं, 28 नवंबर को मेरा सूक्ष्मांतर जैमिनी का आया था, यानी कि इसका मतलब है जैमिनी की राशि का मेरा सूक्ष्मांतर आया 28 नवंबर को, 29 और ये 30 नवंबर तक था, और आप समझिए कि 30 नवंबर के मॉर्निंग के आवर्स में मेरा विवाह हो गया था, यानी कहने का मतलब है कि 29 नवंबर के नाइट में 12 बजे के बाद पेरे थे, तो मतलब 30 नवंबर लग चुकी थी। तो आप ये देखिए ना कितना एक्यूरेसी के साथ ये आ रहा है, जैमिनी की दशा क्या है, आपके आत्मकारक की पोजाइटेड राशि है, और साथ में ये आपका आरूढ़ लगन भी है, और ये मेरा कारकांशा लगन भी है। कारकांशा कैसे बनता है, आत्मकारक की नवमांश की राशि को उदित करके बनता है, तो मेरा कारकांशा लगन भी है, उसी की दशा में ये विवाह की डेट आई है। और अगर आप प्राण अंतर तक चले जाएंगे तो वो भी आपको सही मिलेगा, लेकिन आपको जाने की आवश्यकता नहीं है उसमें, प्राण अंतर में ये मुझे, मेरे ख्याल से विवाह हुआ होगा तो पाइसेस में हुआ होगा, पाइसेस का मतलब है ये
पाइसेस में अगर हुआ होगा तो एक मिनट मैं देखता हूँ कि मेरा उपपद लगन कहाँ पड़ रहा है। उपपद लगन मेरा मिथुन में है, उपपद लगन और पाइसेस में मेरा पाइसेस में तीसरे का चरण है। पाइसेस में नहीं होगा इसका मतलब है कि विवाह, अब इसमें अगर टाइम डाला जाए तो पता चलेगा, क्योंकि एक टॉरस आया हुआ है, एक इसमें एरीज आया हुआ है, एक इसमें पाइसेस आया, एक फिर इसमें एक्वेरियस आया है। एक्वेरियस के टाइम पे हुआ होगा या कैप्रिकॉन पे हुआ होगा। इसको अगर हम टाइम भी अगर इसमें एंटर कर दें, एक मिनट रुपये अच्छा कैलकुलेशन में इसका प्रोविजन होता है डेट प्लस टाइम, तो वी कैन डू दैट वे। आज आपका एक्स्ट्रा बीटीआर हो रहा है? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया 29 तारीख को 12 बजे के बाद जो है हमारी डेट पड़ी थी, मतलब फेरे पड़े थे, तो उस समय एरीज की दशा आई है। तो आप एक बात देखिए कि एरीज की दशा जब आई है तो लगन की ही दशा है, और नारा काग्रा जो है मांगलिक कार्यों में बैठा है, पूजा पाठ होम हवन में, तो उस समय फेरों के समय होम हवन वगैरह सब होता है, तो मतलब एप्रोप्रिएट बनता है ना, एरीज की दशा में संभावना बनती है। और यहाँ देखिए एरीज राशि में मेरा दारा कारक बैठा है नवांश के अंदर, केतु के साथ, तो ये एरीज वाला बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब बर्थ टाइम पूरी तरह से रेक्टिफाइड है। और जेमिनी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए कि केएन राव साहब ने बोला है जेमिनी की दशा अच्छी होती है, और उसी के आप प्रत्यंतर में हुआ आपका। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जेमिनी की दशा ने मुझे अच्छा दिया है, लेकिन वो एक अप्रोप्रिएट एज में आके ना आत्मकारक की पोजाइटेड राशि की जो दशा है उसे अच्छा नहीं माना जाता। तो जगदीश जैन साहब सारे पॉइंट इसमें कवर हो गए ना एक हॉरोस्कोप में, क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें आपको एक्सप्लेन भी कम करना पड़ा कि सारा देख के ही ये ज्यादा मेरे को इस तरह से ज्यादा जल्दी गुरु जी समझ में आ जाता है। ठीक है, हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए ये नेक्स्ट है, ये प्रमोशन का, जॉब एंड प्रमोशन। जॉब और प्रमोशन कब मिलता है? जॉब और प्रमोशन मिलता है उस राशि की दशा में जिस साइन में सूर्य शुक्र या दोनों के दोनों प्लैनेट बैठे होते हैं, तब व्यक्ति को या तो प्रमोशन मिलता है या उसको जॉब मिलता है। ऐसे राशि के साइन में जिसमें या तो सूर्य बैठे हों या शुक्र बैठे हों या दोनों के दोनों बैठे हों, या दूसरा इसमें पॉइंट है कि राशि दशा में जिसमें कि फिफ्थ और नाइन्थ हाउस ऑक्यूपाइड बाई वीनस जुपिटर एंड मून, अगर ऐसी राशि की दशा आती है जिसके पांचवें भाव में अथवा नवें भाव में आप या तो शुक्र बैठे हों या गुरु बैठे हों या चंद्र बैठे हों, अब आप याद रखिएगा इन पॉइंट्स को क्योंकि अभी हम कुंडली पे देखेंगे। ऐसी राशि की दशा में जिसमें कि पंचम भाव और नवम भाव में शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों, टेंथ हाउस दशा साइन में अगर उसमें बेनिफिट प्लैनेट्स अगर बैठे हों, यानी आपके एसेंडेंट से दसवें भाव की जो दशा की राशि पड़ती है उसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट्स या स्वक्षेत्री प्लैनेट्स या उच्च के प्लैनेट्स अगर बैठे हों, तो उन दशाओं के अंदर व्यक्ति को उस दशा में, आपको उस राशि की दशा में जो दशम भाव में पड़ी है, अगर उसमें बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो या बैठे हों या स्वक्षेत्री प्लैनेट मतलब अपना ही ओन हाउस का प्लैनेट बैठा हो या कोई उच्च का प्लैनेट बैठा हो, तो उस राशि की दशा में आपको जॉब मिलता है। राशि उस राशि की चार दशा में आपको जॉब मिलता है जिसके कि दसम भाव में या तो उसमें बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, या अमात्य कारक बैठा हो। इसमें अमात्य कारक मैंने लिखना था वो मैं मिस आउट कर गया हूँ, कल जब भेजूंगा तो उसको करेक्ट करके लिखूंगा। यहाँ मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसा दशा साइन जिस दशा साइन के अंदर आत्मकारक या अमात्यकारक या तो नवम भाव में बैठा हो या दसम भाव में बैठा हो या इलेवंथ हाउस में बैठा हो, तब ऐसे में जॉब मिलता है। अब हम आते हैं हॉरोस्कोप पे। अब हम किसी बड़े आदमी की हॉरोस्कोप लेंगे क्योंकि आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो अपनी हॉरोस्कोप नहीं दिखाऊंगा। अब दिखाता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प की। ताकि आप थोड़ा हिल जाए। और आज कदकाठी में भी बड़ा है बेचारा।
विश्वामित्र साहब की बात भी यहाँ सही हो जाए कि जॉब, उन्होंने कहा था जॉब मिला है मध्यकाल की दशा में, तो वैसे मैंने उनको बोला था कि यूएस प्रेसिडेंसी इज नॉट ए जॉब बट एन इंस्टीट्यूशन और इट हैज टू हैव द आत्मकारक इन आइदर द 9th, 10th और 11th हाउस. तो अब हम देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ 2017. उसमें दशा में हम आते हैं जनवरी 2017 में कब क्या दशा आई है इनको. इनको दशा आई है, ये देखिए इनको आई है जैमिनी राशि की दशा है, यानी कि मिथुन राशि की दशा है. तो मिथुन राशि को हम इसको लग्नवत करेंगे. मिथुन राशि की दशा में इनका आत्मकारक तो 12th हाउस पे है, लेकिन मिथुन राशि की दशा में इनका मातृकारक है और पुत्र कारक इनका 3rd हाउस में है, और जो जुपिटर है भातृकारक है वो यहाँ पे है, धारा कारक 2nd हाउस में है. बात नहीं जमी, जैमिनी में कर्क राशि में अंतर चला है, इसमें बात जमती है. कर्क राशि की दशा में आप देख रहे हैं कि उनका आत्मकारक 11th हाउस में है और अमात्यकारक जो चंद्रमा है वो 5th हाउस में है, यानी कि 5th हाउस एंड 5th हाउस में अमात्यकारक का आना ये बहुत अच्छा है, और पुत्र कारक इसमें जो 5th लॉर्ड है वो 2nd हाउस में आया है, तो उसका 2nd हाउस में आना बहुत स्ट्रॉन्ग एक बनाता है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जर्मनी के राजयोग जो हैं वो 5 कंपोनेंट से बनते हैं, आत्मकारक अमात्यकारक आत्मकारक अमात्यकारक पुत्र कारक 5th लॉर्ड एंड धारा कारक, ये 5 कंपोनेंट्स है. तो आप ये देखिए कि पुत्र कारक इनके जो है वो धन भाव में आ गए हैं, धन भाव में आना वो बहुत अच्छा है, और इनके ये तो मातृकारक इनके जो कि इसमें 12th हाउस में आए हैं. मातृकारक को मैंने एक्सप्लेन किया है आपको आगे के मॉड्यूल में कि मातृकारक जो है थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी का होता है, तो इट इज बेटर प्लेस इन द 12th हाउस क्योंकि गुरु जी, गुरु जी ये तो एक तो जेमिनी की दशा है, एक तो अच्छे अच्छे अच्छी दशा है जेमिनी की जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा, और दूसरा है जेमिनी इनके कुंडली में 11वें भाव में पड़ता है. ठीक कह रहे हो आप, जो जैमिनी राशि की दशा है वो इस तरीके से महादशा अच्छी है क्योंकि इसमें जैमिनी राशि की दशा जो है, क्योंकि इनका लगन सिंह लगन की कुंडली है, तो जैमिनी इनका जो है वो ओन हाउस प्लेस पे प्लैनेट 11th हाउस में है. जैमिनी ऐसे भी शुभ दशा है. देखिए आप लोग म्यूट रहिए, आप लोग अनम्यूट मत कीजिए, जब आपने बात करनी हो तो हाथ खड़ा करके आप लोग बात कीजिए. क्लास में हम एक ऑर्डर और डिसिप्लिन बना के रखेंगे क्योंकि क्लास के अंदर काफी मेंबर्स हैं, एवरीबॉडी शुड गेट एडिक्वेट चांस. इसमें क्या होता है कि दो लोगों के बोलने से क्या होता है कि पूरी क्लास जो है दो ही लोग चला रहे होते हैं, और हर व्यक्ति यहाँ पे जो है बहुत सम्मानित व्यक्ति है, हाथ खड़ा करके बात करेंगे, हर एक को चांस मिलना चाहिए. तो बहरहाल ये डॉक्टर विनयशील का अच्छा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सिंह लगन की इनकी कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली में आप देखते हैं कि जैमिनी जो है इनके 11th हाउस की दशा है, 11th हाउस की राशि है, और 11th हाउस का जो स्वामी है 11th हाउस में बैठा है, यानी कहने का मतलब है विष्णु भगवान का द्योतक भी है, साथ में राशि का लॉर्ड जो है उन्हीं की वजह से ये आदित्य का भी द्योतक हो गया. इसका मतलब दोनों के दोनों का द्योतक हो गया, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, और इस पे जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, तो विच मीन्स जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो शिवा का एस्पेक्ट भी है. इसका मतलब ये राशि इनकी बहुत मजबूत है, तो जैमिनी की महादशा में इनका एसेंडेंसी टू द प्रेसिडेंट लेवल ये प्रूव होता है. यहाँ से बैठकर आप जानते हैं कि ड्वेल साइन में बैठा हुआ जो प्लैनेट है इट विल बी एस्पेक्टिंग द 10th हाउस, तो उसका मतलब मर्करी एंड जुपिटर बोथ आर एस्पेक्टिंग द 10th हाउस एंड द 7th हाउस. 7th हाउस इज पद प्राप्ति एंड 10th हाउस इज एसेंशन एंड दिस इज द हाउस ऑफ थ्रोन, विच मीन्स दैट कॉरोनेशन टू अ थ्रोन, मतलब एक व्यक्ति को राजपोषी होना या राजगद्दी पे बैठाना, ये भाव जो है चतुर्थ होता है. इस चतुर्थ भाव पे बुद्ध की भी दृष्टि है और गुरु यहाँ पोजाइटेड हैं, और ये भाव जो हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी इन पावर का है उस भाव पे बुद्ध और गुरु दोनों की दृष्टि है, यानी और तीसरा जो है गुरु एज द राशि लॉर्ड की भी दृष्टि है, तो उसका मतलब विष्णु शिवा एंड आदित्य ये तीनों की दृष्टि इस पे पड़ती है, और यही हालत जो है 7th हाउस पे होती है, जो कि एक आदमी का परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट हिम
उसके बारे में बताता है, तो दिस इज एक्सीलेंट दशा। अब हम देखते हैं इनका कर्क राशि। ये गुरु जी इसमें आपने लग्न चेंज नहीं कर दिया, लग्न तो इनका जो है वो सिंह लग्न है। जगदीश नयन साहब ये तो वही वाली बात हो गई, रामलीला खत्म हो गई और सीता कौन था। आपको मैंने क्या बताया था कि जब हम चार दशा को देखते हैं तो सर जी हम चार दशा को लग्नवत करते हैं, दशा को लग्नवत करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अभी आपके सामने मैं अपनी कुंडली में क्या कर रहा था, दशा के जो दशाएं आ रही थी उन्हीं को तो लग्नवत कर रहा था। नहीं, आपकी तो कुंडली हमें याद है कि मेष लग्न की कुंडली थी। सर जी दशा चार दशा को देखने का कैसा कैसे तरीके से होता है, मैंने आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास सब में बताया कि चार दशाओं को लग्नवत किया जाता है। दशा लग्न का कॉन्सेप्ट है, यानी जो भी दशा आपको चलती है वो दशा को आप लग्नवत करते हैं। कोई सभी स्टूडेंट से मेरे प्रार्थना है कि मेरे नोट्स को कृपया पढ़ते रहें, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि मैं शायद कुछ लोग ना पढ़ते हों, इसलिए मैं रिकैप बार बार करता रहता हूं। लेकिन रिकैप करना कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, आप लोग मेरे नोट्स को पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, इससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। क्योंकि इसमें अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन ब्रिंग ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैनॉट मेक हिम ड्रिंक। इसका मतलब है कि आप घोड़े को खींच के पानी के पास तो ला सकते हैं, अंग्रेज कहते हैं, लेकिन आप उसको पानी जबरदस्ती पिला नहीं सकते। और ये गुरु शिष्य परंपरा में भी एक गुरु अपनी तरफ से बहुत मेहनत करे और बहुत मेहनत करके अच्छे से अच्छे नोट्स बना के दे और स्टूडेंट को समझाने की बहुत कोशिश करे मल्टीपल टाइम्स पे। अगर स्टूडेंट ही मन बना लें कि हमने नोट्स को नहीं देखना है तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि अंग्रेज सर हम लोग पानी पीने वाले घोड़े हैं सर, हम लोग पानी पीने वाले घोड़े हैं सर। नहीं चलिए ठीक है, बहरहाल कहने का मतलब है यहाँ कोई घोड़े से मतलब नहीं था, इट इज एन ईडियम, अंग्रेजी का ईडियम है, किसी को घोड़ा नहीं बोला जा रहा है, इट इज जस्ट एन ईडियम इन इंग्लिश विच सेज लाइक दैट। आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, देवज्ञ हैं, आप जो इस देवताओं वाली विद्या को सीख रहे हैं वो सारे ही देवज्ञ हैं, यानी कि ऋषि तुल्य हैं आप लोग। हाँ राजेश जी बोलिए। गुरु जी नमस्कार। सर ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है इसलिए हम लोग इसको सही समझ रहे हैं, पर इसका अगर माइनस पॉइंट देखा जाए, मेरा डाउट है, मैं कंफर्म करूँ आपसे, अगर ये जेमिनी की महादशा है इसमें अगर ये प्रेजिडेंट वगैरह जो भी बना है, इसका जो आत्मकारक सूर्य 12वें भाव में गया है, अमात्यकारक जो चंद्रमा है वो 6वें भाव में गया है, और ये इसका ज्ञानितिकारक वीनस जो 6वें उसमें गया है, 2nd भाव में गया है, 4th नेगेटिव पॉइंट जो राहु जो 12वें भाव में जो खराब माना गया है वो खराब गया है, फोर्थ भाव में आपका ये आ रहा है जुपिटर आ रहा है जो की आपका अभी के व्राप्तिकारक है, ये 5 नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसमें जैमिनी को। कैंसर अंक की अंतरदशा सही है वो मैं समझ गया सर, उसमें अच्छे-अच्छे पॉइंट। राजेश जी मुझे आप आंसर देने का मौका दें इसमें। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है ऋषि जैमिनी ने 2 ग्रहों को बहुत पावर्ड बना है। आप एक बात बताइए, हमारे हम सभी लोग हिंदू हैं, हिंदुओं में विष्णु भगवान, शिवा लॉर्ड शिवा और आदित्य ये हमारे पूजनीय देवता हैं कि नहीं है? अगर ऋषि जैमिनी ने इन 2 ग्रहों को और राशि के लॉर्ड को अगर ये संज्ञा दे दी है कि वो विष्णु भगवान, लॉर्ड शिवा और आदित्य के समकक्ष हैं, तो आप ये समझिए ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं नेगेटिविटी, ये सारी जो व्यक्ति जो है देवताओं के संरक्षण में आ जाएगा ये सारी नेगेटिविटी जो है धरी रह जाएगी। हाँ इस नेगेटिविटी का क्या उस पर प्रभाव हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंस्पायर्ड द फैक्ट दैट ही वन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, he lost out in popular votes और masses were against him। जब उनका ascension to power हुआ all across the country they were protesters, then they were all around, there were innumerable protest by people and he lost out in popular vote। आप एक बात समझिए कि आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में लिंडन जॉनसन के टाइम पे, जिस समय की लिंडन जॉनसन was a very extraordinary situation, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी was shot dead by Lee Harvey Oswald on 22nd of November 1963, तो वो उस समय पे लिंडन जॉनसन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने, बट ही चोज नॉट टू गो फॉर फुल फ्लेज्ड इलेक्शन बिकॉज उनकी जो अपनी इमेज थी दैट वॉज स्मियर्ड। ये माना जाता था कि जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन
was one of the protagonists of association was Lyndon Johnson, because he was with the lobby of these warfare hardware, मतलब war hardware. तो खैर जो भी था, मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरी हिस्ट्री में, अमेरिकन प्रेसिडेंट की हिस्ट्री में, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट को, और ये भी सेकंड टर्म में जाके बिल क्लिंटन को हुआ, जो मोनिका लिंस्की और उसका हुआ, पॉला एरन का जो स्लीजी जो चार्ज लगा वो सेकंड टर्म में लगा उसको. लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, वो पहले टर्म में भी बिल क्लिंटन जीते, आर्कनसास के गवर्नर थे, और बिल्कुल अर्लीस्ट 44 में जाके 46 में यूएस के प्रेसिडेंट बन गए थे. क्वाइट यंगर टू हिम वाज जॉन एफ कैनेडी. लेकिन वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन थी लिंडन जॉनसन की. लेकिन बिल, ये डोनाल्ड ट्रम्प का ऐतिहासिक केस है. इनकी एंट्री और इनकी एग्जिट दोनों के दोनों वॉज स्मियर्ड विथ कैंपेन. यानी कहने का मतलब है, इतने काली पड़ी है, इतना इतने कलंकों के साथ हुआ है, इतने दाग धब्बों के साथ हुआ है. लेकिन यहाँ देखिए, ये देवताओं की शरण में आ गया है. और आप देखिए कि दसम भाव पे, सप्तम भाव पे बुद्ध का, गुरु का आस्पेक्ट है. इसको जैमिनी ऋषि ने इनको देवता माना है, और जो राशि का लॉर्ड है उसको आदित्य माना है. तो तीनों ही भगवान इनके दसम भाव. हमें चाहिए क्या दसम भाव? तो चाहिए हमको. आप एक बात देखिए कि इनका जो पुत्र कारक है वो इनके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को देख रहा है. इनका सेवंथ का जो लॉर्ड, इनका पंचम का जो लॉर्ड है वो इनका सेकंड हाउस में बैठा है. लेकिन यहाँ पे कोई प्रेसिडेंसी ऑफ यूएस इज नॉट ए जॉब. वो अर्निंग के लिए नहीं आया है वहां पे, वो कि सैलरी के लिए नहीं आया है. वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो किंग्स किंग है ऑफ किंग्स, मतलब वो पूरे पूरे मुल्कों का बादशाह है. इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पे आया है, उसका स्टेचर बड़ा है. तो उसका स्टेचर कौन बढ़ा सकते हैं? ये तीन भगवान बढ़ा सकते हैं, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड आदित्य, विच इज ब्रह्मा एंड सूर्य. और आप देखिए इसमें साइन लॉर्ड साइन को देख रहा है, यानी कि आदित्य की भी इस पर दृष्टि है. ये डबल वर्क कर रहा है, ये लॉर्ड शिवा का भी काम कर रहा है, लॉर्ड आदित्य का भी काम कर रहा है, इन दोनों राशियों पे. ये पद प्राप्ति की राशि है, ये टेंथ हाउस की राशि है. और आप देखिए जो इनका पुत्र कारक है, ये पुत्र कारक इनके जो है इलेवेंथ हाउस पे दृष्टि रख रहा है. पुत्र कारक की दृष्टि किसके हाउस पे होगी? इस पे नहीं होगी, इस चर राशि पे नहीं होगी, कर्क पे. लेकिन पुत्र कारक जो है वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है. यानी कितना अच्छा एक समा बना है. पुत्र कारक इनके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, पुत्र कारक इनके देख रहे हैं एट्थ हाउस को देख रहे हैं, और पुत्र ये सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का भाव है. और पुत्र कारक इनके इलेवेंथ हाउस को देख रहे हैं, जो कि एसेंडेंसी और प्रॉपर गेन्स का हाउस होता है. राजेश जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? और चूंकि इनके आत्मकारक और आत्मकारक जो हैं वो इनके बारहवें और छठे में आ गए, त्रिक भावों में आ गए हैं, इसी वजह से इनकी पूरी, मतलब इन दी एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूएस प्रेसिडेंसी, ये अकेला ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके उसमें ये पॉपुलर वोट हारे. नंबर टू, इनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि सारी कंट्री के अंदर यूएस में इतने ज्यादा वो हुए, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, इनके मेम्स बनाए गए, उनमें इनकी पैंट भी उतारी गई उन मेम्स में, उसमें जो है लोगों ने उनको उनके पुतलों पे पांव से लात मारी, इनका इतना मजाक उड़ा पूरे कंट्री के अंदर, आगजनी की घटनाएं भी बहुत सी घटनाएं भी. लेकिन इन थ्री मंथ्स टाइम ही बिकेम वेरी पावरफुल, क्योंकि जनवरी में इन्होंने प्रेसिडेंट का रोल अदा किया, और मार्च में इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम, जो कि 98,000 केजी का जो बम था, वो ने टोरा टोरा अफगानिस्तान में ड्रॉप किया. उसके बाद से इनकी एकदम से रेटिंग ऊपर चली गई. बहरहाल किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इतना बड़ा एक्शन नहीं पहले कभी ऑर्डर किया था. अफगानिस्तान में इतना बड़ा इन्होंने ऑर्डर किया थ्री मंथ्स में, मार्च के महीने में 2017 में. तो आप एक बात को देखिए कि उसका कारण है कि कर्क राशि की इनको दशा है. अंतरदशा मैंने आपको बताया था कि महादशा से ज्यादा पावरफुल अंतरदशा होती है, क्योंकि महादशा का, जैसे मेरे को जैमिनी की महादशा चल रही है 12 साल की, तो आप ये समझिए कि इस महादशा के अंदर में मेरे को कभी तबीयत भी खराब होती है, तो कभी मुझे जो है स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, कभी आप लोग जो है मेरे पढ़ाने के बाद में मेरे उस पर आप व्हाट्सएप पे इतने अच्छे अच्छे बातें लिखते हैं, जैसे मेरे 4 किलो खून बढ़ जाता है, तो अच्छा भी मुझे सुनने को मिलता है. आई गेट द लॉरल्स, आई गेट कूडोज, आई गेट ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर साइड. तो मतलब विच इज सो मच
एंथ्रेलिंग टू माइंड, मतलब आप समझिए कि दिल इसमें बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये सब बातें होती है ना। और ये भी होता है कि कभी मेरे को हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो जाता है, तो आई लूज आउट इन टर्म्स ऑफ वर्टिगो, आई लूज आउट कॉन्शियसनेस, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब चीज होगी तो अच्छी चीज नहीं होगी। महादशा का बहुत बड़ा फॉर्मेट है, उस महादशा के फॉर्मेट में बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो अंतरदशा है वो आपको ज्यादा एक्यूरेसी से घटना को दिखाएगी। अब आप देखिए मिक्सिंग हो गया, क्योंकि जेमिनी के दोनों तरफ में है ना, आपके दो इक्वल नंबर ऑफ प्लेनेट है, दोनों मैलिफिक है, वो भी एक रिजल्ट बैड रिजल्ट हो गया उसके लिए। लेकिन आपके ना कितने भी आप ना यहाँ पे एक चीज और भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं शायद हम लोग, शायद कि ये इनका जेमिनाई जो है वो नवमांशा का राइजिंग साइन है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप एक बात देखिए ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नवमांशा का राइजिंग साइन भी है, दूसरा उस पर आत्मकारक अमात्यकारक की दृष्टि भी है, यानी कि आत्मकारक अमात्यकारक का जो संबंध बन रहा है वो इनका नवमांशा के अंदर बन रहा है, जो कि अपने आप में महाराजा धीराज वाला योग बनाता है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है, ये ह्यूज राजयोग माना जाता है। ये आत्मकारक मातृकारक का संबंध जो है वो उनके लगन से बन रहा है, और इनके सप्तम भाव से बन रहा है और दसम भाव से बन रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि इनके आत्मकारक की दृष्टि इनके अमात्यकारक पे दसम भाव में है, जो अमात्यकारक दसवें भाव में ही बैठा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि D1 चार्ट से D9 चार्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है। अब इसके बाद कर्क राशि की दशा देखेंगे। कर्क राशि की दशा में आप देखिए कि इनका जो आत्मकारक है वो आत्मकारक इनका 11th हाउस में आ गया है, और इनका जो यहाँ पे इनका पुत्र कारक है मंगल, वो इनका पुत्र कारक जो है वो इसमें आ गया है, सेकंड हाउस में आ गया है, और वो 5th का लॉर्ड भी है, यानी 5th का लॉर्ड हो गया है, और 5th हाउस में इनका, 5th हाउस में इनका वो अमात्यकारक आ गया है। तो जब भी कभी कॉरोनेशन होता है या राजगद्दी मिलती है, तो उस राजगद्दी में 5th हाउस की और 11th हाउस का और 4th हाउस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पे देखिए 4th हाउस का लॉर्ड इनका लगन पे बैठा है, यानी हमें इस बात को समझना होगा कि इस कुंडली का कि कर्क की पहले तो जेमिनी की जो दशा है वो भी अपने आप में बहुत मार्के की दशा दिखाई पड़ती है नवमांशा के अंदर, दूसरा कर्क राशि की जो अंतर दशा है वो इनकी बहुत मार्के की है, क्योंकि कर्क राशि की दशा में आप देख सकते हैं कि आत्मकारक अमात्यकारक की स्थिति बहुत अच्छी है, और 5th का लॉर्ड और पुत्र कारक दोनों ही मंगल है, और वो इनके बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो जो कि धन के आने की तरफ को इंडिकेट भी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो इनको नेक्स्ट आया है वो स्कॉर्पियो राशि आई है। तो स्कॉर्पियो राशि में आप देखिए इनका अमात्यकारक इनका लग्न पे आ जाता है, आत्मकारक इनका वो हो जाता है, पुत्र कारक इनका आपके इसमें आ जाता है 10th हाउस में, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। धारा कारक इनका इसमें आ जाता है। मैंने आपको बताया देखिए गणाधिकारक के बारे में कहा गया है कि गणाधिकारक बहुत सी कंडीशंस में नहीं उतने खराब फल देता है, जब आपका आत्मकारक अमात्यकारक इतने स्ट्रांग हो तो ये इन्फेक्टस हो जाता है, यानी कि जो गणाधिकारक है इट बिकम्स नल एंड वॉइड, इट डजंट गिव यू ऑल दोज बैड काइंड ऑफ रिजल्ट्स। लेकिन एक बात जरूर है कि इनका चूंकि गणाधिकारक इनका शुक्र है, तो ये हैड मल्टीपल मैरिजेस, और इनकी मेरे ख्याल से एक वाइफ डिवोर्स भी हुआ है और एक डेथ भी है, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट। बट इनकी जो वाइफ है वो जो अभी एग्जिस्टिंग व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, वो काफी उम्र में कम दिखाई पड़ती थी, जबकि 79 के कुछ इस तरह से थे। उनकी वाइफ जो है, इनकी वाइफ का नाम मैं भूल गया हूँ, चेल्सिया तो बेटी थी नहीं, मिलानिया। और इनकी वाइफ का नाम क्या था? मिलानिया ट्रम्प। उम्र में काफी छोटी थी। नहीं, खुशी है मुझे कि आप वारंगटन में रहते हैं, इस वजह से आप मिल पाए। तो वहां से आप अमेरिका जाते रहे। चलिए अब मैं इसको बंद करता हूँ, किसी या किसी ने कुछ और पूछना हो। इसके बाद स्कॉर्पियो की दशा में एक बात सिर्फ आपका परमिशन लेना था कि अगर कोई इम्पोर्टेंट कारक का अगर 5th लॉर्ड भी बन जाता है कुंडली का, तो वो उसका अहमियत बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। मतलब आप देखिए ये 5th लॉर्ड, ये पुत्र कारक जो है दसम भाव में बैठा है, पुत्र कारक का दसम भाव में बैठना बहुत वेलकमिंग साइन है, यानी कि पुत्र कारक अगर यहाँ बैठेगा, मैंने आपको बताया था 5th लॉर्ड एज वेल एज दी पुत्र कारक, ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप इसमें देखें जो गुरु है, चूंकि ये भ्रातृ कारक है, तो भ्रातृ कारक होने के अलावा चूंकि जुपिटर
जैसे प्लैनेट यहाँ पे हैं और लैब में बैठे हैं, तो यूएस प्रेसिडेंसी जो है कोई ऐसा बेड ऑफ रोसेस नहीं होता। यूएस प्रेसिडेंसी इसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स, मतलब कांटे का एक सेज होता है सिर के ऊपर, यानी वो इतनी मुश्किलात का जॉब होता है। वो हमें बाहर से दूर से हमें बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो काफी तकलीफों वाला होता है। तो आप देख रहे हैं कि स्कॉर्पियो की दशा में ये प्रूव होता है कि उनका पुत्र कारक यहाँ बैठा हुआ है। और वैसे भी मैंने आपको दो हॉरोस्कोप यहाँ पे दिए हैं, दोनों ही हॉरोस्कोप में एक है व्लादिमीर पुतिन की, आप देखिए व्लादिमीर पुतिन का भी पुत्र कारक जो शुक्र है वो उनके लगन में है, और यहाँ पे आप ये देखिए कि इनका भी पुत्र कारक मंगल इनके लगन में, यानी कि पुत्र कारक एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। अब ये हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हॉरोस्कोप है। आपको ऋषि जैमिनी ने जो 3 डिग्री तक जो कंबशन को लेने का बोला था वो भी इस कुंडली में फेल हो रहा है। वेकअप कॉल टू डॉक्टर विनयशील। ये आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्कड इन दी कारकत्वाज ऑफ मरकरी प्लैनेट। वो उन्होंने बुध के कारकत्व में काम किया, वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के, कॉमर्स के उनके प्रोफेसर थे। वो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में और पंजाब यूनिवर्सिटी में वो जो है हमारे इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में रहे, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रहे, और इसी तरीके से वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे। तो अगर आप एक बात देखें, इनका जो मरकरी की जो डिग्री है वो 60 डिग्री 33 मिनट 29 सेकंड है और इनका सूर्य की डिग्री है 10 डिग्री की, तो इसका मतलब 3 डिग्री से भी छोटा डिफरेंस है। इसीलिए मैंने राजेंद्र भाई को बोला कि आप इसको बुधादित्य बोलिए, इसको कंबस्ट मरकरी मत बोलिए। ठीक बोला आपने, क्योंकि आप एक बात देखिए कि ये बहुत ही वेल रेड पर्सन थे, बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे अपने क्षेत्रों में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में और इन सब में, और सन एंड मरकरी के साथ में बैठना। और आप एक बात और गौर करेंगे यहाँ पे, इनका आत्मकारक शुक्र है, अमात्यकारक चंद्र है, आत्मकारक अमात्यकारक साथ बैठा है लेकिन अष्टम भाव में बैठा है, इसीलिए आप देखिए ही वॉज ऑलवेज अ अनविलिंग पर्सन टू एनी ऑफ दी मतलब लिटरल राइज, कोई भी मतलब उन्होंने कभी भी अपने को ऊपर ले जाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया। इट केम टू हिम ऑल ऑफ सडन, क्योंकि ये सडननेस का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। जिस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तब भी वो अनविलिंग थे कि इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में आने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन उनको मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि उनको बहुत प्रेशराइज किया गया। उसी प्रकार से वो जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया या रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया, तो हर जगह पे उनकी अनविलिंगनेस दिखाई पड़ती थी। आत्मकारक मातृकारक उनके जो है बैठे हैं यहाँ पे, मातृकारक के साथ बैठे जो कॉम्प्लिसेंसी का प्लैनेट है जो कि एम्बिशंस को जो है डाउन करता है, तो वो कभी एम्बिशियस नहीं थे। अगर सोनिया गांधी के उसमें, सोनिया गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनती अगर वो इटालियन और फॉरेनर का अगर एपिथान नहीं लगता अपोजिशन के द्वारा, तो इनको ही वॉज द बेस्ट चॉइस अमंग ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट दो ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम, ये बाद में राज्यसभा में आए थे, बट ही वॉज द बेस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब, क्योंकि पी वी नरसिम्हा राव के साहब के टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर में इनका काफी नाम हुआ था, इसलिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने किताब लिखी है वो इसी वजह से लिखी है कि एक अनविलिंग आदमी को बनाया गया था, लेकिन ये जो है अपने ही स्टूड अप टू हिज वर्क और अपने इन्होंने बहुत अच्छी इमेज बनाई यूपीए 1 में। तो आप एक बात आप देखें, इनका पुत्र कारक कौन है, सूर्य है, और आप देखिए पुत्र कारक का जो संबंध है वो दसम भाव से बनता है जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है, और इस पुत्र कारक का दृष्टि का संबंध जो है चौथे से भी बन रहा है, नवम से भी बन रहा है और सप्तम लगन से भी बन रहा है और सप्तम से भी बन रहा है और चतुर्थ से भी बन रहा है। अब हमें यहाँ देखना होगा कि इनका आत्मकारक अमात्यकारक बलवान होते हैं कि नहीं होते। आत्मकारक इनका शुक्र है, धाराकारक के साथ बैठा है और वो केंद्र भाव में बैठा है। अमात्यकारक इनका त्रि एकादश है और वो पंचम भाव में बैठा है और इट इज बिंग एस्पेक्टेड बाय जुपिटर। तो आपको मालूम है कि यह द्विस्वभाव राशियां द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं, तो न केवल बुध भी इस पर एस्पेक्ट रख रहा है, साथ में गुरु का भी एस्पेक्ट है, बुध इसमें नीच के हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैमिनी के राजयोगाज में नीच का उच्च का दोनों ही राजयोगा बनाते हैं। राजेश साहब आप आएंगे इधर,
डॉक्टर मनमोहन सिंह की हॉरोस्कोप पे कुछ आपने बोलना हो? हेलो, सर वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। अभी आवाज आ रही है? मनमोहन सिंह का भाग्य भाव खुल रहा है नवमांश में। नहीं, अनम्यूट तो हो रहे हैं सारे लोग, अनम्यूट तो हो रहे सर। नवमांश में तो बुध और बृहस्पति की भी दृष्टि है आपस में। जी हाँ जी, तो नवमांश में तो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है कुंडली, क्योंकि आप ये देखिए कि जो द्विसभा राशियां हैं वो द्विसभा राशियों को देखती हैं, तो इनके नवमांश के अंदर में, इनके नवमांश में इनका बुध और चंद्रमा पे दृष्टि है और गुरु पे दृष्टि है। तो आप लोगों को जो है कुंडलियां सारी भेज दी जाएगी। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो आपने पिछले वाले में भी नोट की होगी, अब आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 सितंबर 1932 है, 1404। और इनका जो चार्ट में बता दीजिए, उसको एडिट करके देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। इनका चार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, 26 सितंबर 1932, और इनका जन्म हुआ है 1404-09 पाकिस्तान में, GAH गह में। अजय साहब ये दिखाई पड़ रहा है आपको? 26 सितंबर 1932। जी देख लिया सर। बर्थ 1404-09 पाकिस्तान, इन GAH, नेम ऑफ द प्लेसेस, नेम ऑफ द सिटीज GAH गह। सर इनका सन अगर D3 में, अगर उसको लग्न को देख रहा है तो योगदा में आ जाएगा, D9 में तो देख रहा है, क्योंकि सन यहाँ पे D9 में देख रहा है, D3 में अगर देखेगा तो योगदा में आ जाएगा। D9 में तो सन देख रहा है क्या? हाँ, यहाँ से देख D9 में, D3 में भी देखेगा तो योगदा में आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ। D3 में सन जो है नहीं देख रहा, लग्न पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, आपने D10 है सर। अच्छा सॉरी, D3 बना देता हूँ। D3 बने, ये D3, D3 में सन इनका, D3 में भी देख, नहीं देखा, ये चार राशियों में है, चार राशि है। पर सर इसको मंगल को देख लिया ना उसमें, सर मंगल को देख लिया सर D3 में। मंगल को देख रहा है, ठीक है, तो योगदा में आ गया सर, सन योगदा चार में आ गया, ठीक कह रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन आप एक बात देखिए ना, अष्टम भाव में देखने की वजह से ये योगदा 4 में तो आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव पावर को इन्होंने बहुत कम यूज किया, पता है इनकी, अगर आप देखें तो एक स्कॉलरली प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनकी छवि रही, यानी अपनी पॉलिसीज मैटर्स में, लेकिन ये काफी डोसाइल रहे। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स में जैसे नरेंद्र दामोदर भाई मोदी साहब के है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करना जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 35A, 370 ये सब हटा के उन्होंने किस तरीके से इलेक्शंस में रैलीज करना, ये करना, और जिस तरह से उन्होंने जो है योगी को ऊपर उठा दिया और फिर बुलडोजर और ये वो तमाम चेंजेस लेके आना, तो वो सब चीजें क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर एंड अथॉरिटी का यूज है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्कॉलरली प्राइम मिनिस्टर थे और वो हमेशा ही वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह थे, अपनी कुर्सी को उन्होंने संभाला, उन्होंने ही डिड गुड टू द कंट्री, मतलब वो उनके पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम में उन्होंने कंट्री का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ग्लोबलाइजेशन किया, काफी चीजें उन्होंने अच्छी की और बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन ये चूंकि अष्टम भाव में देखने की वजह से, जब जब आप देखिए अष्टम भाव का उदय ज्यादा होता है, अब जैसे जॉन एफ कैनेडी साहब का भी जो आत्मकारक मातृकारक अष्टम भाव में बैठा है, उसकी वजह से क्या हुआ वो कि वो 3 साल के अंदर उनका असैसिनेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे तो 10 ईयर्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो उनका जो UPA 2 था वो उनकी इतनी डोसाइल छवि थी कि उसमें बाकी मिनिस्टर्स के करप्शन से वो काफी स्मेयर हुआ, यानी कि उसको कलंकित हुआ। अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब मेरे ख्याल से वी शुड कॉल इट ऑफ, क्योंकि 9:30 पे मैंने आपसे कहा था कि इसको बंद करेंगे, लेकिन आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई।
हाँ मधु कपूर जी, आप ऑन कीजिए अपना। हाय हाय, नमस्कार जी, हेलो। यस, यू हैव समथिंग टू आस्क मी नाउ? No, not at this time. I liked your class because I have learned basics. So, जैसे आपने rules जो आपने बताए, तो कुछ rules तो हमने पढ़े हुए हैं. But I know I have. I'm gonna go back and listen to your previous recording because this is my first time. No, because you, Mr. Sunil Sachdeva sahab had joined from the, I think, second or third class, so he could pace a fast with us. But you'll have to work very hard because I'll have to send you. You please give me your email ID, so I'll send you all these five class notes also and my videos, which you can watch. Yeah. And you'll also have a class tomorrow. Yes. So, I just have a request, and it may not be possible, which is okay. If you have to go with the majority. Because I have another class, so I don't know. And you know what? Just ignore my request. If it's not possible for other students, I completely understand. If the class can be started a little bit early, but like I said, you know, if it works for everybody, I'm gonna try to manage. मैंने यहाँ पे ना पांच कोर्सेज, यहाँ पे फिफ्थ कोर्स है मेरा एस्ट्रो पाठशाला में, तो नॉर्मली मैं जो क्लासेस लेता हूँ वो क्लासेस मैं थर्सडे एंड फ्राइडे को लेता हूँ. और वाई वी डू इट एट 7:45 बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग, सो दे गेट बैक होम देन दे लॉग इन. सो नॉर्मली ऑफिसर्स इन इंडिया दे फिनिश बाय अबाउट 6:30, सो देर इज अ कम्यूटिंग टाइम. So by the time they reach home and have a cup of tea and they're ready for the class. So I would find it very difficult because there are 44 members to bring. No, it's okay. It's okay. I completely understand. I have to figure out because sometimes I may not be able to join or may have to log off early, and I'll go back. If I have to do that, I'll go back and listen to the recording. कौन सी क्लास, दूसरी कौन सी क्लास कर रहे हैं आप? हमारी ना न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है, वो पहले से चल रही है. I've been doing numerology. किनसे सीख रहे हैं आप न्यूमरोलॉजी? उनके नाम है इतेश गुरु जी, वो बॉम्बे में है, ही इज फ्रॉम बॉम्बे. अच्छा, दूसरा वो के टाइमिंग्स और डेज क्या है, डेज एंड टाइमिंग्स क्या है? एक्चुअली एक तो हमारा फ्राइडे को होता है, और दूसरा क्लास दूसरा थर्सडे का, तो आई कैन आई आस्क देम कि थर्सडे आई हैव अ क्लास, सो वो किसी और दिन कर देंगे. बट इट्स ओके, यू नो, सम लाइक some days I can skip his class, join yours, and I may have to leave early sometime, but it's okay. I will. आया कि मेरी क्लास में आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि आपको वीडियो भी मिलेगा, you will also be getting the class notes and which are very properly written, right? Which are very explained. I love the notes that you have. Yeah. क्योंकि हमने पहले सीखा हुआ है. I don't know Sunil जी, हमारे 2020 में we had an astrologer. तो उन्होंने हमें चरदशा सिखाई थी, बट आपका बहुत ऑर्गेनाइज है, उनका ऑर्गेनाइज नहीं था. क्या नाम था उनका? वो तो यहाँ यूएस में है, वो एक्चुअली उनके नाम है योगेश शर्मा, बट वो टीचर नहीं है. ही इज इन दैट वाज हिज फर्स्ट टाइम टेकिंग अ क्लास, सो आपके जैसे ऑर्गेनाइज है ना, वो ऑर्गेनाइज नहीं था. लेकिन उन्होंने ना, किस सिटी में आप, यूएस में? I'm in Atlanta, Georgia. Okay. तो आपके बड़े ऑर्गेनाइज है, जैसे आपने सारे रूल्स एक उसमें लगाए हैं ना, तो हमने भी रूल्स पढ़े लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो वो आप मेरी क्लासेस को देखिए. आप मधु जी, आप मेरी क्लासेस को, आपने पहले तो एक बात मैं आपको बताऊंगा, हमारी क्लासेस जो है मोस्टली हमारी क्लासेस 99% हिंदी में होंगी, सो यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, नंबर वन. दूसरा मैं आपको बताऊँ, मेरे नोट्स सारे इंग्लिश में जाते हैं. Or, that's great. To your questions, I can speak to you in English to make you more understand the subject or comprehend the any queries that you have in mind. But the point is that mostly I would be talking in Hindi. So, understand few things here. वो भी हिंदी में बात करते थे. As long as the notes are in English, I'm okay.
I can understand English. That's not a problem. I can speak also. But sometimes. आप सभी लोगों से मैं ज़्यादा चाहूँगा हाँ नीरज जन साहब आपने कुछ पूछना है क्या? Thank you. Thank you. सर पूछना था टाइम लग जाएगा कल पूछूंगा पूछ लीजिए मैं देख लेता हूँ क्या टाइम लगेगा सर एक तो मेरे को बताइए जैसे नमाज की बड़ी इम्पोर्टेंस है ना इसमें जर्मनी में भी तो यहाँ पे भी कोई राशि तो ले नमाज की इम्पोर्टेंस है नहीं असल में क्या हुआ है देखिए नीरज जैन साहब लोग जो लोगों ने क्या किया है जब आप कॉम्पोजिट टेक्निक पे आएंगे इन्होंने जैसे माधव पाठक जो हमारे गुप्ता काल के थे उन्होंने He was also a sage, तो उन्होंने जो है माधव पाठक साहब ने पाराशरी और जैमिनी को जोड़ के साइंस कॉम्पोजिट साइंस लिखी उसके बाद क्या हुआ कि जो मॉडर्न राइटर्स थे वो तो ये देखने लगे कि किस से बॉल आपके गोल पोस्ट पे आसानी से जाती है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राशियां भी देखना शुरू कर दिया ग्रहों की भी दशाएं देखना शुरू कर दिया राशियों की भी दशाएं कारकों का भी उपयोग उन्होंने जो है बंशोत्री दशाओं में लगाना शुरू कर दिया तो वो कॉम्पोजिट जब टेक्निक्स करने लगे तो राशितुल नमाज भी लगाने लगे फिर तो देखिए ऐसा है कि जो आपको सूट करेगा पहले आप ना जो सब्जेक्ट है उसको हम उसी की धारा में पढ़ेंगे जिस धारा में वो लिखी गई है ओरिजिनली उसके बाद फिर जब आप विद्वान हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के तो आप ना खुद इसमें जजमेंटल होने लगेंगे कि किस चीज को आपने क्या करना है मतलब आप कहाँ कहाँ पे आप अब देखिए अभी जो लास्ट टाइम मैंने डोनाल्ड ट्रंप का दिखाया था गुरु की उनकी महादशा प्रारंभ ही हुई थी जब वो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के अभी आपको जैसे मैंने दिखाया उनके नवमांशा के चार्ट में कि वो गुरु जो है वो उनका सेकेंड हाउस में बैठ के वो दृष्टि दे रहा है वो इस पे भी दे रहा है फिफ्थ हाउस पे भी दे रहा है आत्मकारक पे भी दे रहा है उस पे भी दे रहा है तो आप मिक्स एंड मैचेस तो आप करेंगे अब जैसे पंडित संजय रथ का मैं देख रहा था कि वो डिविजनल सारे चार्ट्स में लगा रहे थे पंचमांशा में भी लगा रहे थे पंचमांशा तो हम दस वर्गा में भी नहीं करते पंचमांशा मतलब वन फिफ्थ ऑफ राशि लेकिन पंडित संजय रथ ने अब वो क्या किया है कि पूरी दस वर्गा में इसको लगाना शुरू कर दिया तो देखिए अब वो चूंकि वो स्टॉलवर्ड लीडर हैं अपने क्षेत्र में क्योंकि मनोज भंडारी को कोई नहीं जानता लेकिन पंडित संजय रथ को पूरा वर्ल्ड जानता है तो क्या होता है कि जो ट्रेंड सेटिंग करने वाले विद्वान होते हैं उनके साथ में क्या होता है वो जो भी अडॉप्ट करते हैं उसको रिस्पेक्ट मिलती है ये बात ठीक है बाकी खत्म हो जाने के बाद आप बेशक दस वर्गा पे लगाएं राशि नमाज पे लगाएं फिर आप रिसर्च करें फिर आप देखिए कि आप गोल पोस्ट में बॉल को आप कितनी आसानी से सुगमता से क्या लगा के ले आ सकते हैं अगर आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाए तो फिर आप वो काम करें लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये आप लोगों को देवज्ञ बनाना है इस सब्जेक्ट का तो हम उस लकीर पे चलेंगे जो जैमिनी ऋषि की है हम उसी रास्ते पे चलेंगे जैमिनी ऋषि के उससे हम इधर उधर डिटोर नहीं लेंगे हम इधर उधर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी ठीक है सर थैंक यू बाकी कल पूछूंगा ठीक है थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को शुभ रात्रि अच्छी नींद आए तो कल मिलते हैं फिर थैंक यू क्या कह रहे हैं आप वेयर टू पे एंड वो हमारे को भेज दीजिएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन तो वो हम आपको कर देंगे आई सेंड यू माय चेक कॉपी इन योर व्हाट्सएप यू कैन आल्सो सेंड मी योर ईमेल आईडी ऑन द व्हाट्सएप आई विल सेंड यू द ईमेल आईडी हमारा यहां से ऑनलाइन डिपॉजिट करना पड़ेगा हमें वायर ट्रांसफर होता है ना yeah. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Namaskar. Aap sabhi logon ko